Hello and good सेशन में मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ फिर से एक मैराथन सो टीचिंग रिसर्च मैराथन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज टर्न है कम्युनिकेशन का सो so, आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं कम्युनिकेशन का मैराथन

तो so, काफी ऐसे थ्योरी में में तो so, भी, भी है तो मतलब पूरा कंप्लीट पैकेज है कम्युनिकेशन से सो दिस हैव टू वॉच टिल द एंड जिससे कि आपकी हो सके कम्युनिकेशन की, की पूरी मैराथन पूरा रिविजन राइट right? सो so, इस मैराथन में कम्युनिकेशन को पूरा हम Yes, पूरा हम फोकस करने वाले हैं सो यस क्विकली गिवी क्विक कंफर्मेशन दैट यू ऑल आर रेडी टू स्टार्ट विद क्लास बिकॉज देखो ये क्लास आपको अभी से लेके लास्ट तक बहुत अटेंटिव होके देखना है शॉर्ट नोट भी बनाना है तो अगर आप रेडी हो पेन पेपर लेके बैठे हो तो ठीक है नी जल्दी से ले आओ एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग सो एक बार क्विक कंफर्मेशन गिव मी एवरी वन यस कल की सेशन अच्छा था तो देखो आज का सेशन और अच्छा होगा डेफिनेटली अच्छा होगा और अगर कल का क्लास किसी ने नहीं देखा है तो जरूर से देखना रिसर्च का मैराथन जिसमें मैंने रिसर्च के सारे यूनिक क्वेश्चंस जो एग्जाम में हमारे आए हुए हैं सारे प्रीवियस क्वेश्चंस से आए हुए हैं एंड वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं वो मैंने विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कवर किया था सो यू कैन वॉच दैट दैट एज वेल बिकॉज वो क्वेश्चन मिस नहीं करने हैं नहीं एग्जाम में मेरे मतलब आपके क्वेश्चन गलत होंगे दो मार्क्स आता हुआ छूट जाएगा तो बस थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन थे रिवाइज जरूर से कर लेना रेडी रेडी ऑल एवरी वन रेडी ऑल फाइन चलो शुरू करते हैं

सेंडर के दिमाग में जो भी आइडिया चल रहा है ना सेंडर इसको रिसीवर को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करता है मतलब तो वो चाहता है कि जो भी सेंडर के दिमाग में चल रहा है वही रिसीवर के दिमाग में भी चले कॉमननेस एस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या करते हैं कम्युनिकेशन करते हैं तो व्हाट इज कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस जहां सेंडर रिसीवर के दिमाग में चीजों को एज इट इज डालने की कोशिश करता है जैसे उसके दिमाग में चल रहा है यस yes. नेक्स्ट हम आते हैं कम्युनिकेशन के कुछ कैरेक्टर स्टिक्स के ऊपर सो कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक स्टिक है टू वे प्रोसेस होगा मतलब सेंडर और रिसीवर दो पर्सन कम से कम होने चाहिए सो दैट कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस नेक्स्ट है बेस लैंग्वेज जब तक आप नहीं यूज करोगे तब तक कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज कम्युनिकेशन इज क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग ठीक है अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या है अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना और अंडरस्टैंडिंग की सबसे पहली शर्त है कि उस लैंग्वेज में बोलो जो आपका रिसीवर समझता हो तो जब दो लोगों के बीच में कॉमन लैंग्वेज होगी तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल है नेक्स्ट है कम्युनिकेशन में होता है आइडियाज का एक्सचेंज कुछ ना कुछ हम एक्सचेंज करेंगे दैट मीन्स आप सेंडर को भेजोगे सेंडर आपको भेजेगा रिसीवर आपको भेजेगा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये कई बार हमारे एग्जाम में ये पॉइंट आ चुका है कि कम्युनिकेशन एंडलेस होता है एंड कुछ स्टूडेंट्स ने उसको गलत भी किया है आ, कि भाई एंडलेस होता है हम आ, मतलब कम्युनिकेशन में एंडलेस नहीं होता है ब्रेक होती है हमारी कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ बैरियर लेकिन ऐसा नहीं है जो आपके डिफरेंट मॉडल्स हैं कम्युनिकेशन के आ, उसमें इंटर मॉडल बोलता है कि कम्युनिकेशन कंटिन्यूस है चलता रहेगा सो कम्युनिकेशन इज एंडलेस उस कैरेक्टर उस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से ये कैरेक्टरस्टिक बनी है कि कम्युनिकेशन एंडलेस है कम्युनिकेशन चलता रहेगा ठीक है चले कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स एंड सिंबल्स दोनों का यूज करके कम्युनिकेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसके भी टाइप्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन ऑल परपेसिव होता है दैट मीन्स कम्युनिकेशन इज यूनिवर्सल हर जगह कम्युनिकेशन होगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कम्युनिकेट करोगे क्लास के अंदर हो तो बट कहीं बाहर जाओगे तो आप कम्युनिकेट नहीं करोगे या कम्युनिकेशन एक पर्टिकुलर जगह पे होता है ऐसा नहीं है हम कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में देयर वी नीड अ कम्युनिकेशन नेक्स्ट आती है आपकी बात म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन कर पाता है क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपसी समझ होती है जब आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करोगे कम्युनिकेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों होता है डायरेक्ट मतलब जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो अभी हम जो कर रहे हैं वो कौन सा कम्युनिकेशन है इनडायरेक्ट क्योंकि वी आर वी आर कनेक्टेड थ्रू मीन्स थ्रू अदर मीन दैट मीन जब हम फेस टू फेस के अलावा किसी भी तरह से कम्युनिकेट करते हैं वो इनडायरेक्ट होता है चाहे आप वीडियो कॉल कर लो चाहे आप कम्युनिकेट कर लो ऑन ऑन ई मेल लेटर लिख दो वो सारा ही आपका इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा डायरेक्ट क्या होता है फेस टू फेस होता है ठीक है ठीक है नेक्स्ट आते हैं कम्युनिकेशन जो आपका इनडायरेक्ट है ना कम्युनिकेशन जो इनडायरेक्ट होता है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज व्हिच इज सिंक्रोनस एंड सो कम्युनिकेशन होता है आपका इनडायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट में दो कैटेगरीज आएंगी वो दो कैटेगरीज क्या है फर्स्ट है आपकी कि वो सिंक्रोनस हो सकता है दैट मींस आप जब मैसेज भेज रहे हो उसी सेम टाइम पे आपको क्या मिले रिप्लाई मिले फीडबैक मिले सो दिस इज सिंक्रोनस जबकि जबकिस कम्युनिकेशन में क्या होगा आसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है जब हम मैसेज अभी भेज तो रहे हैं लेकिन इसका रिप्लाई मुझे क्या मिलेगा बाद में मिलेगा मुझे इसका रिप्लाई देर से मिलेगा तो दैट इज व्हाट आसिंक्रोनस कम्युनिकेशन इज ठीक है हां जी मैं आंसर करती हूं आपका साइमा वेट सो so, अभी मुझे बताओ ये क्लियर है सिंक्रोनस मतलब जब हम रियल टाइम कम्युनिकेशन कर रहे हो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या जब हम जब हम रिस्प इमीडिएटली करें ऐसी कोई शर्त नहीं है मतलब आप अभी मैसेज ले रहे हो बाद में रिप्लाई करोगे या बाद में आप रिप्लाई दोगे तो वो है आपका असिंक्रोनस जैसे अभी आप इस वक्त मेरी क्लास में लाइव हो आप अभी मुझे रिप्लाई दे रहे हो तो ये क्या है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे बीच में लेकिन आप मान लो मेरी क्लास रिकॉर्डेड देख रहे हो आप मेरी क्लास देख के फिर कॉमेंट करोगे और वो मैसेज मुझे बाद में मिलेगा है ना सो so, ये क्या है असिंक्रोनस कम्युनिकेशन होगी हमारे बीच में ठीक है सो so सिंक्रोनस के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं जैसे ये लाइव क्लास हो गई आपकी जो वर्चुअल क्लास होती है इसके अलावा व्हाट्सएप हो गया आपका तो ये सारा किस में आएगा सिंक्रोनस में आएगा कि अब आप बोलोगे मैम व्हाट्सएप पे सेम टाइम रिप्लाई नहीं करें तो तब भी वो सिंक्रोनस है क्योंकि व्हाट्सएप है फेसबुक है जो आपका फेसबुक मैसेजर होता है ये सारे रियल टाइम पे मैसेज भेजने के लिए इनके पॉसिबल होता है मतलब दे आर केपेबल ऑफ सेंडिंग द मैसेज एट रियल टाइम इसको हम इंस्टेंट मैसेंजर बोलते हैं तो मैसेज वो भेज के आपको रिप्लाई वो तुरंत ले सकते हैं आप नहीं करो वो आपकी मर्जी है बट वो कर सकते हैं तो दे कम्स कम अंडर योर सिंक्रोनस लेकिन जो आपके रिकॉर्डेड क्लासेस होते हैं वो किसमें आएंगे असिंक्रोनस में ईमेल हो गया लेटर हो गया वो किस में आएगा आसिंक्रोनस में सो इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर यस yes, मैंने सारे यूनिट के क्वेश्चंस का भी अभी कुछ दिन पहले मैराथन लिया था आई थिंक ट्यूसडे को लिया था तो वो क्लास देखना आप एक बार और भी होगा एग्जामिनेशन तक हम सब कुछ करेंगे आपके रिसर्च टीचिंग कम्युनिकेशन पूरा पेपर वन का हम मैराथन आपके लिए हमने प्लान किया हुआ है सो जस्ट स्टे यून डोंट वरी सब करेंगे यस yes. सो so, चले अब एक क्वेश्चन है यहां पर कि कम्युनिकेशन इननेट होता है या अक्वायर्ड होता है क्या कम्युनिकेशन की एबिलिटी हमारे अंदर हमेशा से होती है बचपन से होती है जो हम पैदा होते हैं या कम्युनिकेशन की एबिलिटी हमने अक्वायर करी होती है तो आंसर है कि कम्युनिकेशन आप सीखते हो कम्युनिकेशन इज नॉट एप्टीट्यूड जो आपके अंदर होगा हमेशा से अब आप बोलोगे मैम बच्चा भी तो बोलता है बच्चा अपनी बात कम्युनिकेट करता है सो बच्चे को अभी कम्युनिकेट करना नहीं आता है बच्चा सिर्फ उसको अच्छा लग रहा है तो वो रोए हंसेगा बुरा लग रहा है तो वो रोएगा उसके उस सिंबल से हम समझ लेते हैं बट एक कम्युनिकेशन होता है प्रॉपर वर्ड्स एंड सिम्बल्स का यूज करके दूसरे के दिमाग में अपने जो दिमाग में चल रहा है उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाना और वो बच्चा सीखता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखो कि अगर आपके घर में हिंदी बोली जाती है तो बच्चा हिंदी बोलेगा बच्चा अगर इंग्लिश बोलने वाले एनवायरमेंट में रह रहा है तो वहां बच्चा इंग्लिश बोलेगा चाइनीज बोला जा रहा है मेंडारियन भाषा बोली जा रही है तो मेन्डारियन भाषा ही बोलेगा सो so, ये acquire कर करा जाता है कम्युनिकेशन दैट मीन एक एबिलिटी हमारे अंदर हम अक्वायर करते हैं जिससे कि हम अपनी बातों को अगले तक समझा सके अगले तक पहुंचा सके एंड दे कम्युनिकेशन इज नॉट इन नेट वो जन्म जात हमारे अंदर नहीं होता है बट हम अक्वायर करते हैं ठीक है हाँ सो so, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है आपसे क्वेश्चन कि कम्युनिकेशन इज अ नेचुरल एबिलिटी सो आंसर है नहीं इट इज अक्वायर्ड इट इज समथिंग दैट यू लर्न इट इज अ स्किल इट इज नॉट नेचुरल ठीक है ये ठीक है ठीक है चले अब हम आगे आते हैं आगे आते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मैंने कराया कई बार है लेकिन इसको हम फटाफट से एक बार और रिवाइज करेंगे ठीक है एस एम ई एम मतलब सबसे पहले आपका सेंडर आता है अब देखो सेंडर है तो उसके दिमाग में एक मैसेज होगा वो कुछ तो कम्युनिकेट करना चाहता है आगे तो उसकी वो क्या करेगा एनकोडिंग करेगा एनकोडिंग क्या होता है अब आपके दिमाग में कुछ भी है तो वो आगे कैसे पहुंचाओगे वो कैसे कोई समझेगा ठीक है तो वो आगे कैसे कोई समझेगा तो वो समझाने के लिए आप उसकी एनकोडिंग करोगे मतलब वर्ड्स और पिक्चर्स के फॉर्म फॉर्म या जिस भी form में आपको मैसेज आगे भेजना है उसमें अपने मैसेज को कन्वर्ट करोगे तो दैट इज एनकोडिंग ठीक इसके बाद होता है कि आपने एनकोडिंग किया फिर आप एक मीडिया का चुनाव करोगे एक मीडिया सेलेक्ट करोगे जिससे आप अपना मैसेज आगे भेजोगे नेक्स्ट है रिसीवर फिर आप मैसेज क्या करोगे जब आपने आगे भेज दिया तो आपका जो रिसीवर है जैसे कि आप सब हो तो आपको मेरा मैसेज मिल जाएगा ठीक है ठीक अब फिर क्या होगा जब आपको मेरा मैसेज मिल गया तो आप करोगे उस मैसेज को डिकोड डिकोड मतलब अब आप इस मैसेज को समझने की कोशिश करोगे पूरी यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या बोला गया है क्या मीनिंग निकल रही है और अब मुझे समझ में आया या नहीं आया तो आप उसकी मीनिंग निकालोगे एंड लास्ट में आप क्या करोगे मुझे दोगे फीडबैक जो मैंने आपको बोला है जो मैंने आपको मैसेज दिया है राइट ये जो मैसेज मेरा था एनकोड करके जो मैंने आपको भेजा है उसके ऊपर आप एक प्रतिक्रिया दोगे जैसे आप बोलते हो कि क्लियर है नहीं है ये क्या है ये आपका है फीडबैक का प्रोसेस सो so, ये हमारी कम्युनिकेशन होती है कम्युनिकेशन को हम इसी तरह से करते हैं सबसे पहले सेंडर होता है सेंडर के बाद मैसेज आएगा जो कि वो एनकोड करके एक मीडिया के थ्रू भेजेगा रिसीवर को मिलेगा वो मैसेज समझेगा डिकोड करके फिर वो आपको फीडबैक देगा ठीक है अब देखो फीडबैक क्या होता है ये हमें पता है फीड फॉरवर्ड क्या होता है ये भी हमारे एग्जाम में हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई बार और फीड फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है बहुत आसान है फीडबैक अभी देखो आपकी मैंने आपको जो बताया ठीक है मैंने आपको जो मैसेज दिया उसके ऊपर आप मुझे एक रिप्लाई कर रहे हो कि क्लियर हो गया नहीं क्लियर हुआ रिपीट कर दो तो, आप ये सारी चीजें मुझे बोल रहे हो वो किस बेसिस पे बोल रहे हो वो मैसेज जो मैंने आपको दिया है उसका एक रिप्लाई है लेकिन लेकिन जो फीड फॉरवर्ड होता है वो फीड फॉरवर्ड क्या होता है कि मैं पहले ही जो कम्युनिकेट करने जा रही हूं उससे पहले मैं जब कुछ बोलूं तो वो फीड फॉरवर्ड होगा तो सबसे पहले देखे आपका जो फीडबैक होता है ये पास्ट से रिलेटेड होता है क्यों क्योंकि मैंने जो मैसेज दिया उसकी प्रतिक्रिया है फीडबैक बट ये जो फीड फॉरवर्ड होता है ये होता है फ्यूचर ओरिएंटेड ये फ्यूचर से जुड़ा हुआ होता है मतलब आप जो करने वाले हो आप जो करने वाले हो उसके ऊपर ठीक है उसके ऊपर आप जो बताओगे वो क्या है वो हमारा है फीड फॉरवर्ड नहीं डिकोड रिसीवर से पहले नहीं आता वो कुछ मॉडल्स के अंदर है कुछ मॉडल्स के अंदर है बट जो हमारा करेक्ट सीक्वेंस है वो यही है हाँ जी सो so, जो फीड फॉरवर्ड होता है वो एडवांस में होता है वो आपका फ्यूचर ओरिएंटेड होता है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्लास के अंदर आके बोलूं कि आज के क्लास में आपको क्या क्या चीजें करनी है ठीक है आपको यस आपको आज के क्लास में क्या क्या चीजें करनी है क्या आ, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपसे और फिर मैं आपको मैसेज देना शुरू करूँ जैसे मैंने बोला पेन पेपर लेके आ जाओ आप आज हम थ्योरी करेंगे तो ये एक फीड फॉरवर्ड था या जैसे टीचर आपको प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट देता है तो से पहले ही आपको वो कुछ चीजें बता देता है वो बोलता है कि देखो आपको ये ये चीजें करनी है इस प्रोजेक्ट के अंदर इसको प्रोजेक्ट के अंदर आपको कम से कम थ्री हंड्रेड या फोर हंड्रेड वर्ड्स का लिखना है ये पूरा प्रोजेक्ट बनाना है या मान लो थ्री थाउजेंड फोर थाउजेंड वर्ड्स का बनाना है सो दैट इज फीड फॉरवर्ड तो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है क्या फीड फॉरवर्ड ये दिया किसने हमें मार्शल गोल्ड स्मिथ ने फीड फॉरवर्ड का दिया है। and feed forward होता है होता चैलेंज तो ये सारा कि तुम ये कर लेना तुम ये मत करना दिस इज नोन एज वॉट दिस इज नोन एज फीड फॉरवर्ड ठीक है क्लियर है हाँ, बिल्कुल आ जाएगा अनन्या फाइन सो so, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ फीड फॉरवर्ड हम आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन करते हैं ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन एडवांस बिफोर सेंडिंग द प्राइमरी मैसेजेस नोन एज वॉट जी बिल्कुल द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर डी कोई प्राइमरी मैसेज मैसेज जो मतलब मेरा मेन है ना उसको देने से पहले हंड्रेड परसेंट पीपल करेक्ट एब्सोल्युटली मेरा प्राइमरी मैसेज मेरा जो मेन मैसेज है उसको देने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं तो दैट इज नोन एज अ फीड फॉरवर्ड तो अब ये क्वेश्चन आपको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा चले नेक्स्ट so आती है कॉन्टेक्स्ट इन कम्युनिकेशन की बारी दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से हमारा क्वेश्चन बनता है और कई बार बन चुका है कम्युनिकेशन के अंदर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है प्रसंग क्या होता है तो देखो जिस तरह के कॉन्टेक्स्ट में आप कम्युनिकेट करोगे कम्युनिकेशन की मीनिंग वैसे निकलेगी सो कम्युनिकेशन आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कैसे कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेट किया जा रहा है उसके बेसिस पे ही कम्युनिकेशन की मीनिंग डिसाइड होती है आपके जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं दे आर ऑफ फोर टाइप्स यही हम पढ़ने जा रहे हैं कि आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें होते हैं फोर टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले आता है आपका फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फिजिकल कॉन्टेक्स्ट मतलब एक्चुअल सेटिंग कहां पर आप हो और कहा कम्युनिकेट कर रहे हो जैसे इस वक्त मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ राइट right? अभी इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ कम्युनिकेट कर रही हूँ क्लासरूम में मेरे आसपास का एनवायरमेंट कैसा है लाइट प्रॉपर है शोर है नहीं है ये सारी चीजें मेरे फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में आएगी अभी मैं क्लास के अंदर हूँ और मैं जिस तरह से कम्युनिकेट कर रही हूँ दैट विल बी अ डिफरेंट और अगर हम कम्युनिकेट करें सेम टाइप का अगर मैं कहीं मान लो रोड पे खड़े हो गए ऐसे कम्युनिकेट करने लगू तो लोगों को लगेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर जैसे आप मेरी बात सुन रहे हो यहां पे समझने की कोशिश कर रहे हो बिकॉज यू नो

बहुत शांत रहकर यहाँ पर अगर आपको कुछ कम्युनिकेट भी करना है तो हम लिख के कर लेते हैं लाइब्रेरी में मॉल में हो तो चिल्ला के भी बोल सकते हो आप हॉस्पिटल में हो तो फिर बहुत धीरे बोलोगे अननेसेसरी बातें नहीं करोगे सो तो जो हमारा फिजिकल कॉन्टेक्स्ट होता है वो हमारी कम्युनिकेशन को शेप करता है क्लियर है अभी नेक्स्ट आपका जो सेकेंड कॉन्टेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन में वो होता है टेम्परल कॉन्टेक्स्ट टेम्परल कॉन्टेक्स्ट इज ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशन सो ये एग्जाम में हमारे क्वेश्चन भी आ चुका है ठीक है ठीक है अब हमारे देखो एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है जैसे क्या क्वेश्चन था कि एक अरुण है या कोई भी पर्सन का नाम है वो एवरी वीक अपने फ्रेंड से कॉफी शॉप में मिलता है और जब वो कॉफी शॉप में मिलता है तो वो एक पर्टिकुलर टाइप की कम्युनिकेशन करता है वो हमेशा बताता है कि उसके फ्यूचर प्लान क्या है उसने क्या सोचा है लाइफ में करने का तो इस बार उसने फिर से कॉफी शॉप में अपने फ्रेंड्स को बुलाया तो उसके फ्रेंड्स के दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन थी कि आज भी अरुण हमसे यही बात करेगा सो so ये कौन सा कॉन्टेक्स्ट है कम्युनिकेशन का दिस इज टेम्परल कॉन्टेक्स्ट ठीक टेम्परल कॉन्टेक्स्ट मतलब कि क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी किस एक्सपेक्टेशन से आप जा रहे हो और कम्युनिकेट कर रहे हो कई बार होता है ना कि जैसी अपेक्षा होती है वैसा हम मैसेज को लेते हैं वैसा हम मैसेज को समझते हैं तो कॉन्टेक्स्ट शेप्स अप्स योर मैसेज फॉर एक्साम्पल आपको किसी से एक्सपेक्टेशन है कि वो हमारी हेल्प ही करेगा आपको पता है आप उससे कोई भी फेवर मांग रहे हो और आपको एक एक्सपेक्टेशन अंदर से कि वो तो मुझे मना नहीं करेगा सो so, अब आप एक कॉन्फिडेंस के साथ उसको अपनी बात बोलोगे आप कॉन्फिडेंस के साथ बात को रखोगे और अगर उस पर्सन ने मना कर दिया तो आपको बुरा ज्यादा लगेगा क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि मना नहीं करेगा बट किसी ऐसे पर्सन से जो कि आपको लग रहा है कि भाई कुछ भी कर सकता है तो वो मना कर दे तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा तो टेम्पोरल हाँ एक्सपेक्टेशन बनती है नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट सोशल है रिलेशन विद अ पर्सन ठीक है किसी पर्सन के साथ आपका रिलेशन एंड साइकोलॉजिकल होता है इमोशंस बेस्ड देखो so, जैसा रिलेशन होगा मेरा किसी पर्सन के साथ उसी बेसिस पे मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करूंगी और उसी तरह से मैं कम्युनिकेट करूंगी तो ये दो शब्दों से बना हुआ है सोशल एंड साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल इज रिलेटेड टू योर माइंड एंड इमोशंस माइंड एंड एटीट्यूड तो जिस तरह का रिलेशन होता है हमारा किसी के पर्सन के साथ उसी तरह का इमोशनल कंट्रोल हम अपने ऊपर रखते हैं जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी है कि मान लो आपका मूड बहुत खराब है आप बहुत अपसेट हो लेकिन आपका उसी वक्त बॉस की कॉल आ जाती है बॉस के साथ आपकी मीटिंग है तो आप बहुत ज्यादा ट्राई करोगे कि आप इस इमोशन को अपने दबा के फॉर्मल होकर बॉस से अपने काम की बात करो है ना ऐसा तो, तो नहीं है कि आप अपसेट हो तो आप बॉस के सामने भी मुंह लटका के बैठे रहोगे आप उनकी बात नहीं सुनोगे आपको गुस्सा है तो आप गुस्सा दिखाओगे नहीं करोगे ना बिकॉज वहां पर रिलेशन हमारा उस पर्सन के साथ डिफरेंट है बट वहीं अगर वो आपका कोई घर का पर्सन होता उसकी कॉल आती तो फिर आप अपने शेयर करते मूड के बारे में आपको गुस्सा है तो अपना गुस्सा बताते हैं इस इस बात से गुस्सा आ रहा है दैट इज सोशल साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट जिस तरह का हमारा रिलेशन होगा अगले के साथ उस तरह का हम अपना एटीट्यूड रखेंगे नेक्स्ट इज कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है देखो किसी भी बात को हम इंटरप्रेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर कल्चर हम जिस तरह के ठीक है हम जिस तरह के कल्चर uh, से आ रहे हैं ठीक हम जिस तरह के कल्चर से आ रहे हैं उस तरह का कम्युनिकेशन uh, के अंदर अंडरस्टैंडिंग हमारी होगी फॉर एग्जांपल अगर मैं uh, मान लो कि ऐसे कल्चर से आ रही हूं जहां पर मेरे यहाँ जो किया जाता है वो आप यहां बिल्कुल उसका उल्टा किया जा रहा है ठीक है तो मैं आपको क्या समझूंगी आपके कल्चर को क्या समझूंगी कि आप ये गलत कर रहे हो क्यों क्योंकि हम तो इस तरह से करते हैं

कम्युनिकेशन होगी इफेक्टिव लेकिन अगर आप नहीं ये इन चीज को फॉलो करोगे तो होगा क्या आपकी कम्युनिकेशन इनफेक्टिव भी हो सकती है तो वो सेवन सीज क्या क्या है आपके सबसे पहले आती है बात कंप्लीटनेस की मैसेज होना चाहिए आपका पूरा कोई भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको मिस नहीं करनी है क्योंकि अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट बात मिस कर दी तो क्या होगा अगले को पूरी समझ नहीं लगेगी तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कम्युनिकेशन के अंदर पूरी समझ क्रिएट हो तो आपको कोई भी इंपॉर्टेंट बात मिस नहीं करना है ठीक है नेक्स्ट है कंसाइजनेस मैसेज होना चाहिए टू द पॉइंट किसी को भी बहुत लंबा चौड़ा मैसेज नहीं पसंद होता ना जब आपको पता है यस yes. जब आपको पता है कि हम एक दो लाइन में भी उस बात को कर सकते हैं तो हमें बहुत लंबा चौड़ा मैसेज नहीं पसंद होता जैसे कि आप कोई भी वीडियो देखते हो तो आप अब आजकल क्या होता है हम जनरली पहले शॉर्ट्स में वो चीज ढूंढते हैं कि अगर शॉर्ट्स में अवेलेबल हो तो पूरी लॉन्ग वीडियो हमें ना देखनी पड़े सो so, कम्युनिकेशन आपका जितना कंसाइज होगा मतलब जितना छोटा होगा तो नहीं दिख रहा है मैं बोल रही हूँ ना तो आप मेरा सुनो जो मैं बोल रही हूँ ठीक है मैसेज होना चाहिए कंसाइज मतलब मैसेज होना चाहिए छोटा संक्षिप्त जिससे कि मैसेज की अंडरस्टैंडिंग हो सके क्योंकि जितना छोटा मैसेज होगा उतना ज्यादा ध्यान से लोग आपकी बात को सुनेंगे ये पिक्चर मैं डाल दूंगी टेलीग्राम के ऊपर तो ये पिक्चर आप वहां से पढ़ लेना अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसलिए आप इस क्लास में आए हो क्योंकि ये मैटर तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा ठीक है हमारे नोट्स भी सर्क्यूलेट होते रहते हैं इसके अलावा आप सर्च करोगे तो ये सेम चीज ना भी मिले तो आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट तो मिल जाएंगे ना गूगल पे लेकिन इस क्लास में आए हो क्योंकि आपको मुझसे समझना है मेरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो मैं दे रही हूं तो उसको पहले, सुन लो थोड़ा सा ठीक है so सबसे पहले क्या है, कंसाइजनेस मैसेज संक्षिप्त रखो आप जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी नेक्स्ट है कंसिडरेशन कंसिड्रेशन मतलब होता है कि आप कंसिडर करो आप उन लोगों के बारे में सोचो जिनसे कम्युनिकेट कर रहे हो और उनको ध्यान में रख के कम्युनिकेट करो कंसिडरेशन ये होता है जैसे मुझे पता है कि मेरे रिसीवर्स कौन है एंड उसके अकॉर्डिंग ही मैं उनसे कम्युनिकेट करूं यहाँ पे मैं कोई भी दूसरी लैंग्वेज यूज नहीं कर रही हूँ बट इंग्लिश या हिंदी यूज कर रही हूँ क्योंकि आई नो कि मेरे रिसीवर्स वो हैं जिनको इंग्लिश या हिंदी समझ में आती है कोई मैं बंगला में या मैं कोई और लैंग्वेज में नहीं बोल रही हूँ क्यों क्योंकि यहाँ पर आई नो कि मेरे ऑडियंस कौन है तो यही है कि कंसिडरेशन होना चाहिए दैट मीन्स कि आपको पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि, कि किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं और आप हमेशा उसको ध्यान में रखें कम्युनिकेट करो नेक्स्ट चीज आती है आपकी कॉन्क्रीटनेस मैसेज बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए टू द पॉइंट होना चाहिए ठीक है मैसेज टू द पॉइंट होना चाहिए बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए इधर उधर की बात जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा क्या होगी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आगे आते हैं हम क्लैरिटी होनी चाहिए मैसेज में क्लैरिटी मतलब बहुत साफ बोलो आप सिंपल शब्दों का यूज करो क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज करते हैं ना तो कई बार उससे भी क्या हो सकती है कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है इसलिए क्योंकि आपका रिसीवर समझ नहीं पाया आप बोलना क्या चाहते थे इसलिए क्लियर बोलो सिंपल वर्ड्स और सिंपल लैंग्वेज का यूज करके बोलो ठीक है सो जो भी हमारा कम्युनिकेशन है ना वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ होना चाहिए उसमें गोल हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हम फिक्स्ड पर्पस के साथ कम्युनिकेट करेंगे सिंपल लैंग्वेज का यूज करके कम्युनिकेट करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी होगी नेक्स्ट आती है आपकी कर्टसी कर्टसी होता है शिष्टाचार अब आप देखो कोई भी आपको कितने अच्छे से कोई भी बात बताए लेकिन उसका बोलने का तरीका अच्छा नहीं है राइट right. वो बहुत बदतमीजी से आपसे बात कर रहा है तो क्या आप उसकी बात सुनना पसंद करते हो नहीं वो कितनी भी अच्छी बात बोले इवन हमारे पेरेंट्स जब हमको डांटते हैं वो हमारे अच्छे के लिए भले के लिए डांटते हैं लेकिन हमने हमेशा क्या किया है गुस्सा हुए हैं हम कि पता नहीं मुझसे ऐसे ही बात करते हैं जब देखो मुझे डांट देते हैं वो आपके लिए अच्छे के लिए बोलते हैं लेकिन क्योंकि वो डांट के बोल रहे होते हैं आप उनकी बात सुनते नहीं हो और मिसअंडरस्टैंड ऊपर से करते हो है ना कि मुझे समझती नहीं है वो तो मुझसे हमेशा जलती है कुछ भी आप सोच सकते हो सो so, जितना हम प्यार से बोलेंगे उतनी उतनी हमारी बात समझी उतनी बात समझी समझी जाएगी जाएगी जितना के साथ बोलोगे सो दिस इज वॉट दिस इज कर्टिस एंड लास्ट होता है आपका करेक्टनेस करेक्ट Correct होना चाहिए अब देखो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो आपके यस yes, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो आपके कम्युनिकेशन के अंदर मैं आपको uh, हिज का हर बोलू तो इस तरह से क्या होगा मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकती है समझ नहीं क्रिएट होगी तो ये आपके सेवन सीज हैं कम्युनिकेशन के क्या क्या है मैं एक बार वापस से रिपीट कर रही हूँ दिस इज मैसेज कंप्लीट होना चाहिए कंप्लीटनेस आधा अधूरा मैसेज दोगे अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी मैसेज में कंसाइजनेस होनी चाहिए मतलब मैसेज शुड बी शॉर्ट जिससे कि ज्यादा समझ क्रिएट हो सके लॉन्ग मैसेज से लोग बोर हो जाते हैं दिस इज कंसिडरेशन आप अपने रिसीवर को ध्यान में रख के कम्युनिकेट करो जैसा आपका रिसीवर होगा उस तरह से उससे कम्युनिकेट करो कॉन्क्रीट होना चाहिए मैसेज मतलब टू द पॉइंट स्पेसिफिक मैसेज होना चाहिए क्लैरिटी होनी चाहिए साफ सरल शब्दों में बोलो जिससे कि अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्रिएट कर सको कर्टसी प्यार से बोलो प्यार मतलब ये नहीं है कि जहां पर आपको सख्त होकर बोलना है वहां भी प्यार से बोल रो नहीं बट कर्टसी मतलब रिस्पेक्टफुली बोलो ठीक है आप किसी को रिस्पेक्ट से बोलोगे एंड जो भी आपने बात करनी है वो बात करोगे तो वहां समझ ज्यादा क्रिएट होगी एंड लास्टली करेक्टनेस सही बोलो कुछ भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई अगर लिख के कम्युनिकेट रहे हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है ठीक है सो ये हो गए हमारे सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट अलग अलग तरह के आपके कम्युनिकेशन होते हैं इंटरपर्सनल जिसको डायडिक के नाम से भी जानते हो क्यों क्योंकि यहाँ पे कितने लोग होते हैं दो लोग होते हैं सो so, इंटरपर्सनल होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है जो कम्युनिकेशन आप खुद से करते हो ठीक है कोहेरेंट भी होता है लॉजिकल जिसको बोलते हो ठीक है चले अब हम आते हैं डायडिक कम्युनिकेशन के ऊपर जहां कम से कम दो लोग होते हैं जबकि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन जो आप इन मतलब आप खुद से करते हो वो कम्युनिकेशन जो आप खुद से करते हो वो कम्युनिकेशन कैसा होता है वो कम्युनिकेशन होता है इंट्रापर्सनल फॉर एग्जाम्पल ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ की मुझे जो है आज क्या क्या करना है मैंने खुद से प्लान किया मैंने सुबह उठ के अपनी डायरी में टू डू लिस्ट बनाई और मैंने लिखा कि आज ये ये चीजें करूंगी ये जो कम्युनिकेशन मैं कर रही थी वो कम्युनिकेशन किससे कर रही थी खुद से कर रही थी ना तो दिस इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन सो ग्रुप कम्युनिकेशन में आपके मोर देन टू पीपल होते हैं पहला कंडीशन और दूसरा होता है कि यहां पे एक फिक्स्ड गोल होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए कम्युनिकेशन हो रही होती है नेक्स्ट आता है आपका यस yes. नेक्स्ट आता है आपका व्हाट नेक्स्ट कम्युनिकेशन इज मास कम्युनिकेशन जहां पर हमारी बहुत लार्ज ऑडियंस होती है तो अभी मास कम्युनिकेशन के टाइप्स भी बहुत सारे हैं तो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे देन हमारी कम्युनिकेशन के अंदर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायगनल फॉर्मल इनफॉर्मल ये सारा आता है तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं सारे टाइप्स को सबसे पहले जो हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है मतलब दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो कम्युनिकेशन के होते हैं तीन स्टेजेस

आ, आप लोगों ने एक दूसरे का नाम एक दूसरे को बताया ठीक है कहां से आए हो ये बताया तो दिस इज योर फैक्टिक स्टेज जी अभी क्लियर है अभी क्लियर है बॉइस यस क्लियर है तो मे बी देर वॉज अ माइक इशू मैंने चेंज कर लिया है अभी चले वापस से कॉन्सेंट्रेट करते हैं ठीक सबसे पहले देखो आपकी आपका क्या है फैटिक स्टेज होता है मतलब हाई हेलो करते हो फिर इसके बाद कौन से स्टेज पे जाते हो पर्सनल जहां पर आप थोड़ा सा अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करोगे दैट मीन्स की क्या क्या मतलब कहाँ आप अपने पास के बारे में में भी थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कहाँ रहते हो आपकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है तो ये सारी चीजें जब हम हाई हेलो से थोड़ा बाहर निकलेंगे और थोड़ा बहुत और पर्सनल चीजें शेयर करेंगे आप अपनी हॉबीज शेयर कर सकते हो दैट इज योर पर्सनल स्टेज फिर लास्ट होता है आपका इंटीमेट स्टेज आप हर किसी के साथ तो इस स्टेज में नहीं जाते हो बट ये स्टेज होता है रिजर्व फॉर योर क्लोज फ्रेंड्स एंड क्लोज फैमिली मेंबर्स ये हमारा इंटीमेट स्टेज होता है जहां पर हम हमारे सिर्फ हम अपने क्लोज फ्रेंड्स एज वेल एज क्लोज जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनसे हम अपनी सारी जो भी सीक्रेट्स हैं जो भी हमारी लाइफ से जुड़े हुए कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सबको नहीं बता सकते बट बत कुछ फ्यू फ्रेंड्स ही हमारे बारे में सब कुछ जान रहे होते हैं तो वो इंटीमेट स्टेज है आप किसी से मिले हाई हेलो हुआ पर्सनल स्टेज अब जब जब भी मिलोगे आप उसे तो हाई हेलो पर्सनल मतलब आप अपनी पर्सनल चीजें शेयर करोगे बहुत सारी चीजें शेयर करोगे बट यू मे नॉट इन टू इंटीमेट स्टेज इंटीमेट स्टेज इज ओनली रिजर्व फॉर फ्यू क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली तो क्लियर है क्लियर है यस yes. नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट आते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ तो जो ग्रेप कम्युनिकेशन है इसमें कौन सा नहीं आता है अभी हम सारे ग्रेप कम्युनिकेशन के टाइप्स भी करेंगे बट स्टिल एक थोड़ा सा नॉलेज चेक आपकी क्या आप इसका आंसर कर सकते हो कि ग्रेप कम्युनिकेशन में कौन सा नहीं आता है हाँ जी सो इसका आंसर होगा हमारे जो ग्रेपाइन कम्युनिकेशन है उसमें नहीं आता है मेटा कम्युनिकेशन बाकी आपका चेन हो गया क्लस्टर हो गया गॉसिप हो गया आदर टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अभी टाइप्स पढ़ोगे सारा तो अभी उसको माँ के देखते हैं सो so इसका आंसर क्या है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आद नहीं आता है मेटा कम्युनिकेशन मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है कई बार हमारे जो वर्ड्स के चॉइसेस है ना वो कुछ और भी कम्युनिकेट करते हैं एंड दैट इज वॉट मेटा कम्युनिकेशन नेक्स्ट आते हैं फीडबैक किस में इमीडिएट होता है तुरंत आपको फीडबैक किस कम्युनिकेशन के अंदर मिलता है यस तो फीडबैक हमारा इमीडिएट होगा डेफिनेटली फेस टू फेस कम्युनिकेशन में आमने सामने हो तो तुरंत आपको फीडबैक मिल जाएगा नेक्स्ट सिक्स टाइप्स टाइप्स ऑफ ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सो अभी हम कर रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे सिक्स टाइप्स होते हैं ये भी हमसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर कितने टाइप्स होते हैं आंसर है सिक्स तो वो सिक्स टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन से होते हैं आपका आता है यहाँ पर क्या चेन चेन नेटवर्क कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन ऊपर या नीचे जाएगा जैसे आप यहां पर देखो ये पर्सन ने अपने ऊपर मैसेज दिया ये पर्सन ने अपने ऊपर मैसेज दिया देन ये क्या करेगा आगे पास करेगा जबकि क्या होता है इसका उल्टा यहां पर मतलब इसने कुछ बोला जैसे मान लो इस पर्सन इसको हम ए बोल देते हैं ए ने बी को कुछ बोला तो बी इसको सिर्फ सी तक ही पास कर सकता है दैट मीन्स चेन नेटवर्क में कम्युनिकेशन या तो अप होता है या मैसेज जाता है डाउन ठीक है सिर्फ ऊपर नीचे मैसेज जा सकता है आप अपने ऊपर वाले से बोल सकते हो और आपका ऊपर वाला आपके नीचे वाले से बोल सकता है सो so ये हो गया क्या आपका चेन नेटवर्क जबकि स्टार नेटवर्क में क्या होता है आपका होता है एक लीडर ये लीडर ही ग्रुप मेंबर्स से कम्युनिकेट करेगा ये बहुत सेंट्रलाइज्ड होता है आपका कम्युनिकेशन एंड जो लीडर है वही सिर्फ अपने जो है जो भी उसके ग्रुप के मेंबर्स हैं उनसे कम्युनिकेट करेगा जैसे कि हम इनको नाम दे लेते हैं ए बी सी एन डी तो अगर A को सी से कुछ बोलना है ना तो ए सीधा सीधा सी को नहीं बोलेगा या A को बी से कुछ काम है तो ए बी को नहीं बोलेगा बट बट ए बोलेगा अपने लीडर को ठीक है और लीडर इस बात को बी तक ले जाएगा सो so, ये स्टार नेटवर्क जिसको व्हील नेटवर्क के नाम से भी जानते हो यहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्लो होती है अमंग ग्रुप मेंबर थ्रू अ लीडर स ग्रुप मेंबर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं बट दे रेलाय ऑन द लीडर ठीक है ये yes. नेक्स्ट आते हैं सर्किल नेटवर्क पे तो ये जो सर्किल नेटवर्क होता है इसमें आप अपने एक ज्वाइनिंग मेंबर से कम्युनिकेट कर रहे हो तो लेट्स नेम इगेन सो जैसे ए है ना तो ए कैन कम्युनिकेट विथ एफ एंड बी क्योंकि इसके बगल में जो एडजॉइनिंग मेंबर्स हैं वो कौन होंगे आपके बी एंड एफ तो ये आपस में सिर्फ इन दोनों से कम्युनिकेट कर सकता है बी किससे किससे कम्युनिकेट कर सकता है ए से एंड बी से एंड सी से सो so ये क्या है आपका ये कम्युनिकेशन है यस yes. जो ये कम्युनिकेशन है ना आपका सर्किल नेटवर्क के अंदर यहाँ पर होगा कि आप अपने बगल बगल वाले से कम्युनिकेट कर सकते हो सो so, जैसे चेन में था सिर्फ ऊपर या नीचे हो रहा है दैट आप अपने सीनियर तक बात पहुंचाओगे और सीनियर से जो बात आ रही है वो नीचे तक पहुंचाओगे सर्किल में क्या होता है आप अपने अगल बगल वाले से कम्युनिकेट कर सकते हो हाँ नेक्स्ट आते हैं ऑल चैनल ऑल चैनल में हम हर किसी से बहुत ही फ्रीली कम्युनिकेट करते हैं तो ये आपका जो ऑल चैनल नेटवर्क है ना इसमें ए को किसी से भी कम्युनिकेट करना हो वो सीधा उससे बोलेगा जैसे ए एक ओ से काम है तो वो ए ई e से डायरेक्टली बोलेगा ए को डी से काम है वो अपना डी से डायरेक्टली बोल के काम करेगा ठीक है सो ये क्या हो गया ये क्या हो गया हमारा कि जो हमारा ये वाला कम्युनिकेशन है दैट मीन्स हमारा ऑल चैनल नेटवर्क कम्युनिकेशन है इसके अंदर कम्युनिकेशन हो कैसे रहा है इसके अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है फ्रीली अमंग द मेंबर्स तो ये फॉर्मल क्यों है ठीक है ये फॉर्मल इसलिए है क्योंकि यहां पे सबके रोल्स फिक्स्ड हैं हर किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सड है रोल्स फिक्सड हैं बस यहाँ पर हो क्या रहा है हो ये रहा है कि हमें जिससे काम है हम उससे सीधा सीधा बात कर रहे हैं तो कई बार होता है कि हमें बहुत क्विक मैसेज के ऊपर एक्शन चाहिए होता है और हम इतना वेट नहीं कर सकते हैं कि आप पहले अपने सीनियर से बोलो फिर वो उसके ऊपर लेके जाए बात फिर आपको मैसेज मिले जैसे कि हमारा जो एटेक एंड इंडस्ट्री है यहां पर वी हैव टू टेक वेरी क्विक डिसीजंस वी हैव टू डू एवरीथिंग ऑन अ वेरी क्विक बेसिस फॉर एक्जाम्पल कोई नोटिफिकेशन आ गया तो हमें वो नोटिफिकेशन आपको तुरंत आप तक पहुंचाना है अब हम वेट नहीं कर सकते कि हम ऊपर मैसेज भेजेंगे फिर वहां से रिप्लाई आएगा तो ऐसे में हम ऐसी इंडस्ट्री में जहां पर हमें बहुत क्विक डिसीजंस लेने की जरूरत होती है तो वहां पर फॉलो होता है ऑल चैनल नेटवर्क दैट मीन्स कोई भी पर्सन जिसको अगले से काम है वो सीधा उससे बात करेगा और अपना काम करवाएगा ठीक सो दिस इज ऑल चैनल नेटवर्क नेक्स्ट आता है इन्वर्टेड वी तो इन्वर्टेड वी में क्या होता है ये जो आपके सु, जो जूनियर्स हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी ये दो सबॉर्डिनेट्स हम मान लेते हैं ये कम्युनिकेट किन किन से कर सकते हैं ये या तो अपने सीनियर से कम्युनिकेट कर सकते हैं या अपने सीनियर के सीनियर से कम्युनिकेट कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं सेकेंड सीनियर मतलब उनको लग रहा है कि उनका मैनेजर उनकी बात सुनेगा तो अपने मैनेजर को बोल देंगे या मान लो कि उनको अपने मैनेजर से काम है वो तो अपने मैनेजर से सीधा बोल देंगे लेकिन उनको लग रहा है नहीं ये काम मेरे मैनेजर से नहीं मुझे बोलना चाहिए मुझे मेरे मैनेजर के मैनेजर से बोलना चाहिए तो वो सीधा उससे बोल देगा ठीक so well है सो दिस इज वॉट दिस इज योर इन्वर्टेड वी नेटवर्क सबोर्डिनेट कम्युनिकेट्स विथ हिज इमीडिएट सुपीरियर एज वेल एज सेकेंड सुपीरियर क्लियर है यस yes. अब लास्ट आता है आपका क्या गामा नेटवर्क ये जो गामा नेटवर्क है गामा साइन आपको पता है है इस तरह से होता है थोड़ा सा तो वाई जैसा आपको दिखेगा क्या गामा नेटवर्क इसमें होगा कि एक जो सीनियर है उसको रिपोर्ट करना होगा आगे दो सीनियर्स को मतलब एक सीनियर के अंदर तो कई सारे उसके जो भी जूनियर्स आएंगे या सब आएंगे वो उनको तो मैनेज कर रहा होगा बट अपनी रिपोर्टिंग वो एक मैनेजर को ना करके आगे दो मैनेजर्स को करेगा ठीक है सो so, ये आपका गामा नेटवर्क होता है गामा नेटवर्क के अंदर क्या होगा कि जो हमारा सीनियर होगा कोई जो सीनियर है ही विल बी रिपोर्टिंग टू टू ऑफ द सीनियर्स इन टर्न विल बी कम्युनिकेटिंग विद टू सीनियर्स या टू सुपीरियर्स हु आर सीनियर टू हिम सो ये हायरार्की हम फॉलो करते हैं सो so, ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा सिक्स टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन अब हम आते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे जिसको हम ग्रेपवाइन के नाम से भी जानते हैं ये ग्रेपवाइन के नाम से क्यों जाना जाता है क्योंकि जो आपका ग्रेप्स का ट्री होता है आप उसको देखोगे इट्स अ क्लाइंबर एंड इसकी कोई भी खुद की डायरेक्शन नहीं होती है जैसे बाकी पेड़ होते हैं तो उनका क्या होता है उनका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है और वो अपने फिक्स स्ट्रक्चर में आगे बढ़ते हैं तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वहां पे एक स्ट्रक्चर होता है एक हायरार्की हम फॉलो करते हैं सीनियर जूनियर होते हैं वहां पर लेकिन ग्रेपवाइन में कोई भी उसका स्ट्रक्चर नहीं होता आप उसको जो भी रास्ता दिखा दोगे ना वो उस तरह बढ़ता चला जाएगा तो इसीलिए हमने इसको ग्रेपवाइन बोला है क्यों क्योंकि इसका स्ट्रक्चर नहीं होता है ये बोला किसने है ये जो कॉन्सेप्ट है हमें दिया है कीथ डेविस ने कीथ डेविस ने।, ने बोला कि देखो चार तरह के आपके ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होते हैं अब सबसे पहले उसके ऊपर जाने से पहले आपका ग्रेप फाइन का एक एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम बात करें कंपनी है और कंपनी का जो मैनेजर है या सीईओ है तो कंपनी का जो सीईओ है वो फ्रेंड हो सकता है प्रोडक्शन मैनेजर का या कोई भी डिपार्टमेंट के मैनेजर का वो फ्रेंड है अब कंपनी में आगे क्या होने वाला है उसने अपने फ्रेंड को बता दिया मतलब प्रोडक्शन मैनेजर को बता दिया किसने सीईओ ने कि ये सब होने वाला है अभी कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई थी लेकिन ये लोग आपस में बैठे हुए थे और एक बार मैने जो सीईओ है उसने बता दिया किस को प्रोडक्शन मैनेजर को अब ये प्रोडक्शन मैनेजर किसी और का फ्रेंड होगा तो उसने कंपनी के किसी और पर्सन को बता दिया और इस तरह से ये बात स्प्रेड हो गई सब में ठीक है ये बात क्या है स्प्रेड हो गई सब में एंड दिस इज वॉट दिस इज ग्रेप वाइंग कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कि हमारी कम्युनिकेशन इस तरह से स्प्रेड हो गई सबके बीच में कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अभी पास नहीं हुई थी कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं जारी किया था कंपनी ने लेकिन सीईओ के थ्रू ये बात आगे बढ़ते बढ़ते सब तक पहुंच गई सो दिस इज वॉट दिस इज योर इन कम्युनिकेशन क्लियर है यस yes. ठीक है अब आते हैं हम फोर टाइप्स ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के ऊपर तो सबसे पहला होता है सिंगल स्ट्रैंड सो जो प्रीवियस क्वेश्चन था जिसमें चेन लिखा था एक्चुअली चेन जैसा ही है ये सिंगल स्ट्रैंड आपका कम्युनिकेशन सो so, अगर हम बात करें स yes, अगर हम बात करें सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन की तो इसमें मैसेज वन आफ्टर द अदर एंड उसके बाद नेक्स्ट पर्सन तक फ्लो होता है इस तरह से हमारी कम्युनिकेशन होती है जैसे कि अगर हम बोले यस yes, अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे हम अपनी कंपनी में बात कर लेते हैं कि मान लो हमारी एक मीटिंग होने वाली है एक अनऑफिशियल मीटिंग है कि हम कहीं मिलने वाले हैं पार्टी करने वाले हैं तो लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे बताया और उसने बोला कि ये बात आप आगे बता देना ठीक है लाइक निशान सर ने मुझे बोला और निशान सर ने बोला कि बात आगे पास कर देना आप तो मैंने जो थर्ड पर्सन को मैसेज दिया होगा फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला uh, शुभांगिनी मैम को तो मैंने शुभांगिनी मैम से बोला कि मैम ये बात मुझे और निशान सर को पता है अब आप ये बात आगे पहुंचा देना तो शुभांगिनी मैम ने प्रियंका मैम को बताया और प्रियंका मैम से बोला कि अभी ये बात हम तीन को पता है आप आगे बता देना तो दिस इज सिंगल स्ट्रैंड ठीक तो अभी एग्जाम्पल देखो अब एग्जाम्पल देखो इसकी क्या हो सकती है जैसे कभी स्कूल की आप लोग स्कूल बंक करने वाले हो स्कूल नहीं जाने वाले हो और पूरी प्लानिंग हुई है आपकी तो आपने बोला अपने फ्रेंड को कॉल करके कि कल हम लोग स्कूल नहीं चलते हैं फिर उसने आगे कॉल किया कि मेरे पास इसकी कॉल आई थी और वो बोल रही है कल स्कूल नहीं चलते तो ये एक पूरा क्या है आपने एक चेन बना ली एक के बाद एक के बाद एक सबको बताते चले गए सो दिस इज सिंगल स्टैंड नेटवर्क क्लियर है बिल्कुल चेन नेटवर्क के जैसा है यस अब हम आते हैं नेक्स्ट गॉसिप नेटवर्क गॉसिप नेटवर्क में क्या होता है मैसेज से सबके पास पहुंच गया मतलब ये पर्सन था जो गॉसिप कर रहा था और ये जिससे जिससे भी मिला उसने सबको मैसेज दे दिया सो दिस इज वॉट दिस इज गॉसिप नेटवर्क यहां पे हो क्या रहा है मैसेज पासिस टू एवरी कैसे मैसेज पास हो रहा है एवरी जो एक मेंबर है जिसके पास इंफॉर्मेशन है उसने सबको ये बात बता दी तो दिस इज योर गॉसिप नेटवर्क नेक्स्ट आता है आपका गॉसिप नेटवर्क के बाद आता है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क ये प्रोबेबिलिटी नेटवर्क है तो ये बेस बेस होगा किस पे प्रोबेबिलिटी पे प्रोबेबिलिटी के लॉ पे दैट मींस एक मैसेज आप किसी से मिले आपको कुछ पता था तो आप उसको बता सकते हो या मे बी आप भूल जाओ नहीं बताओ तो आपने किसी को बताया वो मैसेज किसी और ने किसी और को बता दिया इस तरह से मैसेज पास ऑन हो रहा है बट जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास मैसेज जाए देखो जे ने आई को बोला आई ने इसको बोला इस पर्सन ने इतने लोगों को बता दिया फिर इसने ई को बताया ई ने एफ को बताया आप देख सकते हो कुछ लोग छूट भी गए हर किसी को यहां पे मैसेज नहीं मिला ठीक है हर किसी को यहाँ पे मैसेज नहीं मिला सो दिस इज वॉट दिस इज योर प्रोबेबिलिटी नेटवर्क प्रोबेबिलिटी नेटवर्क आपका प्रोबेबिलिटी लॉ पे बेस्ड होगा दैट मीनस हम पॉसिबल है कि हम किसी को बता दें पॉसिबल है कि वो आगे किसी को बता दे दिस इज प्रोबेबिलिटी नेटवर्क ठीक है डोंट मिक्स इट विद एनी अदर नेम जो नाम है इसका वही नाम है डोंट मिक्स इट विद एनी अदर नेम नहीं तो कंफ्यूज हो गए आप सब चले अभी हम आगे आते हैं क्लस्टर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है ये भी आपसे 2021 में पूछा गया था मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ ग्रेप वाइन नेटवर्क कौन सा है तो उसका आंसर है क्लस्टर देखो अब ऐसा नहीं होता है ऑल दो हम बोले कि हम सबको बताते जाएंगे कोई बात या हम किसी को भी बोल देंगे वो बात ऐसा नहीं होता है हम जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी करते हैं ना तो उसमें हम आगे जो मैसेज पास कर रहे हैं वो हम सिर्फ उसी को पास करते हैं जिसको हम ट्रस्ट कर रहे हो आप सोचो इस तरह से कि आप किसी कंपनी में काम करते हो तो क्या आप ऐसे गॉसिप करते चलोगे आप सबको बताते चलोगे नहीं हम सिर्फ उसको बताएंगे जिसको हम ट्रस्ट करते हैं तो क्लस्टर नेटवर्क में वही होता है कि हम मैसेज सेलेक्टिवली पास करते हैं हम सिर्फ उसी को मैसेज देते हैं जिसको हम क्या कर रहे होते हैं ट्रस्ट कर रहे होते हैं सो दिस इज वॉट दिस इज योर क्लस्टर नेटवर्क क्लियर ठीक है सो ये क्या है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क जिसमें आता है सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप प्रोबेबिलिटी एंड क्लस्टर क्लियर है

आपका अप आप या डाउन होगा सेम डिपार्टमेंट में डायग्नल डिपार्टमेंट डिफरेंट होगा और लेवल भी डिफरेंट होगी ठीक है अब एक क्वेश्चन कम्युनिकेशन जो दो अलग अलग डिफरेंट लेवल्स में हो रहा है जहाँ पे डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं है वो आपका कम्युनिकेशन कौन सा होगा इंट्रा अपवर्ड हॉरिजॉन्टल या डायरेक्ट डायग्नल यस yes. हां जी तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी हंड्रेड परसेंट पीपल करेक्ट डिफरेंट लेवल्स भी हैं हॉरिजॉन्टल हो नहीं सकता और इसमें बोल रहे हैं डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशन नहीं है मतलब सेम डिपार्टमेंट के नहीं है तो ये क्या है डायगोनल कम्युनिकेशन है ठीक चले इंटरक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट क्रिएट जोन ऑफ वॉट टीचर और स्टूडेंट के बीच में टीचर क्या हो जाएगा आपका मोर नॉलेजेबल अदर हो जाएगा स्टूडेंट के बीच में जब इंटर हो रहा है तो ये कौन सा जोन क्रिएट हो रहा है सो इट इजन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ऑप्शन नंबर कर रहे हो, सब होता है ना या तो रहे थे तो प्रीवियस क्वेश्चन का ही आंसर दे रहे थे हाँ. तो थिंक वही पोल ने काउंट किया है कोई बात नहीं तो ये वाई गॉड्स का जो ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट हम पढ़ चुके हैं लर्निंग थ्योरी अभी जो टीचिंग में मैंने पूरा मैराथन लिया था उसमें सारे थ्योरीज पढ़ाए थे तो चले नेक्स्ट कम्युनिकेटर का जो ट्रस्ट लेवल है वो कैसे डिटरमाइन करते हो या कम्युनिकेटर का जो ट्रस्ट लेवल है वो कैसे डिटरमाइन होता है कम्युनिकेटर ट्रस्ट लेवल इज डिटर्माइंड बाय सो जैसा कि हम जानते हैं हम बोलते हैं ना इस तरह से कि भाई वो मुझसे झूठ बोल रहा था क्यों क्योंकि वो मेरी नजरों में नहीं देख पा रहा था मतलब ट्रस्ट हमने कैसे स्टेब्लिश किया आई कांटेक्ट से सी थोड़ी होगा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कोई बोलेगा तो आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा मतलब कोई आपको ऐसी चीज बोले जो आपको दिख नहीं रही एब्स्ट्रैक्ट वही होता है ना कि जो लॉजिकल बातें हो रही है या हम बोल सकते हैं कि कोई ऐसी चीज हो रही है जो एब्स्ट्रैक्ट है कॉन्क्रीट नहीं मतलब उसको हम देख छू नहीं सकते बट समझ सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट इज एक्चुअली जो हम समझ सकते हैं बट देख या नहीं छू सक छू नहीं सकते तो एब्स्ट्रैक्ट कम्युनिकेशन होगा तो हमें ज्यादा समझ लगेगी कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों कम्युनिकेशन के अंदर आई कॉन्टेक्ट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ट्रस्ट होगा हम यही तो बोलते हैं ना मुझसे नजरें मिला के बात नहीं कर रहा था इसका मतलब कुछ छुपा रहा था झूठ बोल रहा था सो so आंसर है यहाँ पे डी यस yes. चले अभी हम आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना उसके अलग अलग टाइप्स हैं और वी विल बी कवरिंग थ्रू दिस चार्ट सारे टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो चलिए एक एक करके समझते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स सबसे पहला आता है काइनेसिक्स काइनेसिक्स का मतलब होता है मूवमेंट एंड यहां पर हम बात कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन जो बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू हो तो पोस्चर कोई कैसे चल रहा है उसके आईज के थ्रू जो मूवमेंट हो रहा है फेस का जो एक्सप्रेशन होता है जिसको हम जेस्टर्स बोलते हैं तो इसके थ्रू क्या होता है इसके थ्रू तो हमारा कम्युनिकेशन होता है बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू भी तो हमारा कम्युनिकेशन होता है मैं कैसे खड़ी हूं मैं अपने हाथों का मूवमेंट कैसे कर रही हूं मेरे फेशियल एक्सप्रेशन आपको कैसे दिख रहे हैं उससे एक कम्युनिकेशन होगा आपको एक समझ लगेगी एंड इसको हम बोलते हैं काइनेसिक्स तो काइनेसिक्स के अंदर हमारा आता है बॉडी मूवमेंट उसके अंदर पोस्चर होगा जेस्चर होगा आपके फेशियल एक्सप्रेशन ये सब किस में आएंगे आपके आएंगे काइनस के अंदर नेक्स्ट आता है पैरालिंग्विस्टिक जिसको वोकलिक्स बोलते हो वोकलिक्स इज हमने बोला कैसे एक तो होता है कि हम क्या बोल रहे हैं वो तो ओरल कम्युनिकेशन है आपने जो बोला आपके जो शब्द हैं वो ओरल कम्युनिकेशन है लेकिन आपने उसको बोला कैसे ठीक है तो बोलने का जो तरीका था आपका दैट इज वोकलिक्स आपने बहुत तेज तेज बोला कई बार होता है हम जब बहुत नर्वस होते हैं तो बहुत स्पीड में बोलते हैं और कोई भी सुन के समझ सकता है कि ये पर्सन नर्वस है क्योंकि उसका बोलने का तरीका उस तरह का था तो मतलब वो जो बोल रहा है उसके साथ साथ वो कैसे बोल रहा है ये भी तो एक कम्युनिकेशन करते हैं ये भी तो एक हमको समझ क्रिएट करवाते हैं जैसे मान लो कि मैं आपको बोल रही हूँ कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ लेकिन मेरे बोलने के तरीके में घबराहट आपको बहुत साफ दिख रही है तो जो मैं नहीं ठीक हूं मैं ऐसा करके मैंने बोला है ये तो मेरे शब्द हैं ये मेरा ओरल कम्युनिकेशन है लेकिन मैंने उसको जिस तरह से बोला है वो आपके लिए है पैरा लैंग्वेज दैट इज वोकलिक्स ठीक है सो वोकल एक्स पैरा लैंग्वेज इज मैसेज के अंदर जो भी आपके आर्टिकुलेशन हो गया वॉल्यूम रेट ये सारी चीजें नॉप्रॉक्सिमिज होता है दो लोगों के बीच की दूरी डिस्टेंस वो भी कम्युनिकेट करती हैं दो लोगों के बीच की दूरी भी कम्युनिकेट करती है कोई आपके बहुत करीब आके बोले तो हमें एक समझ आता है कि कुछ सीक्रेट मुझसे शेयर कर रहे हैं कोई अब आप जो आपके बहुत नजदीक रहता था या बहुत नजदीक आपका बेस्ट फ्रेंड मान लो तो बेस्ट फ्रेंड्स हमेशा क्या होते हैं बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे से बहुत क्योंकि दे ऑलवेज कीप ऑन शेयरिंग कुछ भी ऐसा जो सीक्रेट हो कुछ भी ऐसा जो बहुत पर्सनल हो तो दे ऑलवेज रिमेन क्लोज लेकिन आज आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे एक अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन करके है तो आपको एक लगेगा कि ये मुझसे नाराज है जरूर मुझसे नाराज होगा तो ये है प्रोक्सीमि दो लोगों के बीच की दूरी भी हमें कम्युनिकेट करती है हम कहीं मॉल में या पार्क में किसी को देखेंगे एंड उनके बीच की दूरी किस तरह की है उसके बेसिस पे हम उनका रिलेशनशिप समझ सकते हैं दैट इज वॉट प्रोक्सिमिज होता है टच सो यू नो ना गुड टच बैड टच हम समझते हैं कि ये गुड टच था या बैड टच था मतलब समझ लग रही है आप समझ रहे हो और कैसे समझ रहे हो थ्रू द थ्रू द टच एंड ये क्या है हैप्टिक्स है कम्युनिकेशन के अंदर समझ लग जाए ये कम्युनिकेशन और कैसे समझ रहे हो टच से सो दिस इज हैप्टिक्स आर्टिफैक्चुअल अपियरेंस एक तो होगा आर्टिफैक्ट्स आर्टिफैक्ट्स ही किसी के पास कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं मतलब किसी ने कैसे इयर पहने हैं कैसे रिंग पहने हुए हैं किस ब्रांड की वॉच लगाई है किस गाड़ी से आया है कौन सा फोन उसके पास है कैसे कपड़े पहने हैं ब्रांडेड है नहीं है तो उससे एक उस पर्सन के स्टेटस के बारे में समझ लगती है राइट तो दिस इज आर्टिफिक कम्युनिकेशन उस पर्सन के अपियरेंस से भी तो हमको समझ लगती है अपियरेंस फॉर एग्जाम्पल वो पर्सन दिख कैसा रहा है क्या उसने ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ है तो आप बोलते हो ये तो लॉयर होगा व्हाइट कोट पहना है तो ये डॉक्टर होगा उसने साड़ी पहनी हुई है एंड बहुत ही वेल नीटेड साड़ी है प्रिंटेड कलरफुल तो आप बोलोगे टीचर है लेकिन एक पर्टिकुलर ड्रेस पर्टिकुलर कलर के अंदर उसने एक सॉलिड साड़ी पहनी है तो आप बोलोगे एयर होस्टेस है है ना सो so से भी हम उस पर्सन के बारे में समझ सकते हैं उस कल्चर भी समझ सकते हैं समटाइम्स सो so वो क्या है आपका अपियरेंस के थ्रू एक हमको अंडरस्टैंडिंग लग रही है एंड ये भी हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ठीक नेक्स्ट ऑल फैक्टिक्स ऑल फैक्टिक्स होता है स्मेल तो स्मेल से भी समझ लगती है देखो कितने सारे आपके जो है ऐसे प्रोफेशन होते हैं जो sell, जो स्मेल के ऊपर बेस्ड होते हैं ठीक है जैसे कि जैसे कि जो परफ्यूम्स uh, टेस्ट करते हैं परफ्यूम स्मेल करते हैं कॉफी भी क्या है? Smell होती है स्मेल होती है एल्कोहल को भी आप क्या करते हो आप टेस्ट एज वेल एज उसकी स्मेल से भी हम उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो ये सारी ऑल फैक्टिक्स है सबसे सिंपल एग्जाम्पल आप अपने घर में गए घर में जाते ही आपने क्या बोला कि आज क्या बना हुआ है आज मैगी बनी है या चलो पनीर बनी है कुछ भी तो आपने कैसे समझा अभी आप किचन में तो गए नहीं बट आप समझ गए बिकॉज ऑफ द स्मेल ऑल फैक्टिक कम्युनिकेशन है आप कहीं जा रहे हो और आपने बोला यहाँ पास में जरूर बेकरी है कैसे समझे स्मेल से ठीक है कलर कलर भी कम्युनिकेट करता है क्लोदिंग और आसपास का जो कलर है उससे देख के कम्युनिकेशन होता है जैसे एक सॉन्ग भी था ना आपका वो सॉन्ग क्या था आपका फीलिंग ब्लू करके मतलब आज अच्छा नहीं लग रहा है और वाइट क्या सिग्निफाई करता है पीस इसी तरह से ब्लैक क्या सिग्निफाई करता है कि हम मॉर्न कर रहे हैं अगर हम इसी तरह से यूज़ करें कोई और कलर जैसे ऑरेंज होता है तो वो रिलीजन डिनोट करता है ग्रीन रिलीजन डिनोट करता है सो so, ये सारा क्या है ये सारा हमारा है कलर के अंदर आता है एंड दिस इज़ योर कलर रिलेटेड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड नेक्स्ट आता है क्रोनमिक्स विच इज़ स्टडी ऑफ टाइम टाइम की स्टडी इसको हम क्या बोलते हैं यस yes, इसको हम बोलते हैं कि टाइम कितना टाइम आपने लिया कम्युनिकेट करने में आपने क्या बहुत क्विक रिप्लाई किया या आपने टाइम लिया कई बार होता है आप किसी के पास गए किसी के घर गए और वो उसने बहुत टाइम लिया उसने बहुत वेट कराया तब आपके पास आया तो आपको लगा कि ये मेरे आने से खुश नहीं था आप को अंदर से ये भी लग सकता है कि अगली बार तो मैं इसके यहाँ नहीं जाऊंगा लेकिन कई बार होता है कि आप किसी के यहां पहुंचे और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के पहुंचा आपके पास आया आपके पास तो ये क्या हो जाएगा दिस इज योर एक अंडरस्टैंडिंग कि वो बहुत खुश हुआ मेरे जाने से तो टाइम उसने कितना लिया ये एक क्या है मैसेज की अंडरस्टैंडिंग होती है विच इज वॉट विच इज योर क्रॉनमिक्स ठीक है सो so क्रॉनमिक्स आपका क्या है टाइम चले स्क्रीन ले लें एंड ले, हिंदी का भी स्क्रीन ले लें हिंदी आप आराम से अपना पढ़ लेना कमिंग ऑन टू मास मीडिया अभी हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं तो हम हम आते हैं मास कम्युनिकेशन के ऊपर मास मीडिया के ऊपर तो मास मीडिया के भी, भी कई सारे टाइप्स हैं वो क्या क्या टाइप्स हैं पहला आता है ट्रेडिशनल मीडिया जिसके अंदर नगाड़ा आएगा जैसे पहले के टाइम पे जो हमारे पास ये प्रिंट मीडिया वगैरह नहीं था कि राजा लोग न्यूज में छपवा दें और लोग ठीक है यस yes, राजा लोग जो है न्यूज में छपवा दें और लोग जो है पढ़ लेंगे बट ऐसा कुछ था नहीं उस टाइम पे तो क्या होता था नगाड़ा के थ्रू हमारी कम्युनिकेशन जो है हमारे हम तक आती थी एक मैसेंजर आता था ड्रम लेके आता था ड्रम बीट होता था लोग जब इकट्ठे हो जाते थे तो फिर वो किंग का स्क्रोल पढ़ता था तो एक मैसेज देने का तरीका ये था इवन जो आपकी आप जाओगे डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स पे तो वहां पर किस तरह के आर्ट का यूज हुआ है वहां पर किस तरह की जो है सिम्बल्स मोटिव्स हैं तो उससे भी वहाँ का और उस पर्टिकुलर टाइम का आपको कल्चर पता चलता है उनके उस टाइम की आर्ट पता चलती है इसके अलावा जो पपेट शोज होते हैं जो फोक डांसेस होते हैं फोक सॉन्ग्स होते हैं ये भी हमको क्या करते हैं ये हमको एक पर्टिकुलर टाइम का कल्चर बताते हैं एंड दैट इज वॉट दैट इज़ योर ट्रेडिशनल मीडिया या ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन जबकि उसके बाद हमारा डेवलप हुआ प्रिंट प्रिंटिंग प्रेस के बाद जो कि ग्यूटनबर्ग ने किया था यूहानस ग्यूटनबर्ग जर्मनी में जो प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हो गई उसके बाद हमारा कम्युनिकेट करने का तरीका बिल्कुल बदल गया है ना अब एक टाइम पे मास कम्युनिकेशन कर पाना सब तक मैसेज भेज पाना पॉसिबल था वो कैसे बिकॉज ऑफ मैगजीन न्यूज़पेपर्स हमारे पास आते हैं कम्युनिकेशन के अंदर आपके पास लेटर्स न्यूज लेटर्स वगैरह जो होते हैं वो सब प्रिंट मीडिया के अंदर जाएंगे इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इलेक्ट्रॉनिक या ब्रॉडकास्टिंग मीडिया जिसमें टीवी आएगा रेडियो आएगा देन यू हैव आउट ऑफ होम मीडिया घर के बाहर निकलते हो तो बैनर्स हैं, पोस्टर्स लगे होते हैं हो गया यहां पर आपको अलग-अलग मैसेज मिलता है ना घरों के बाहर तो वो आपका क्या है आउटडोर मीडिया आउटडोर मीडिया का ही टाइप है ट्रांजिट मीडिया जब आप कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे होते हो तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो भी हमको एक मैसेज देता है जैसे कि आपकी बस हो गई बस पे एडवर्टिजमेंट हो सकती है ट्रेन पे एडवर्टिजमेंट हो सकती है या आपकी जो फॉर एग्जाम्पल मेट्रो वगैरह होती है तो उस पर एडवर्टीजमेंट होती है या ट्रांजिट शेल्टर एडवर्टीजमेंट होती है ट्रांजिट शेल्टर एडवर्टिजमेंट यहाँ मतलब आप जिस जगह पे बैठे हुए हो जिस पर्टिकुलर बस स्टॉप पे बैठे हुए हो वहां पर उस बस स्टॉप पे कोई पोस्टर लगा है कोई पिक्चर लगी है वो आपको एक मैसेज दे रही है, तो आते है हम डिजिटल मीडिया पे न्यू मीडिया जो की इंटरनेट है आपको मालूम है अब यूट्यूब हो गया हमारा वी हैव इंस्टाग्राम वी हैव फेसबुक ट्विटर ये सब भी एक मैसेज हमारे पास बहुत स्पीड में लाने का काम कर रहे हैं सो दैट इज येल्टर एडवर्टीजमेंट ये सो so, ये हो गया हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास मीडिया अब हम आते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मास कम्युनिकेशन का यस yes. सो so, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है देखो लार्ज ऑडियंस होगा फीडबैक आपको देर से मिलता है या एबसेंट होता है हम बोल सकते हैं गेट कीपिंग होती है तो इसलिए हम इसको वन वे कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे गेट कीपिंग इज कैरेक्टरिस्टिक जब मास कम्युनिकेशन करते हैं ना तो गेट कीपिंग होती है उसमें मैसेज फिल्टर होता है मास कम्युनिकेशन के टाइम पे हर कुछ आप तक नहीं पहुंच सकता है एक टाइम पे इसलिए गेट कीपिंग होती है फीडबैक देर से मिलता है या एबसेंट होता है तो ये है ना कि फीडबैक मिल भी सकता है तो हम इसको वन वे नहीं बोलेंगे क्यों पहले के टाइम पे तो वन वे ही था लेकिन अब क्या हो गया है ड्यू टू न्यू मीडिया नाउ फीडबैक इज पॉसिबल हो सकता है फीडबैक तो वन वे इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक बाकी सारा होगा दैट इज लार्ज ऑडियंस होब्बियसली होती है लार्ज ऑडियंस इसीलिए मास कम्युनिकेशन कर रहे हो नाम ही है मास तो वो क्या है आपका मास कम्युनिकेशन इज योर कैरेक्टरिस्टिक फीडबैक हो भी सकता है तो हम इसको सिर्फ वन वे नहीं बोलेंगे एंड गेट कीपिंग आपको मैंने पढ़ाया हुआ है बैरियर के अंदर कि जो गेट कीपिंग होती है इट मीनस फिल्टरिंग और जैसे कोई भी एक टीवी चैनल है फॉर एग्जाम्पल टीवी चैनल को बहुत सारी एडवर्टिजमेंट मिल सकती है कि हमारे अपने चैनल पर ये दिखा देना ये दिखा देना ये दिखाना लेकिन इस टीवी चैनल के पास भी तो एक टाइम रिस्ट्रेंट होता है कॉन्स्टेंट होता है कि हम सब नहीं दिखा सकते तो वो कुछ ही एडवर्टीजमेंट को सेलेक्ट करेगा बाकी सबको क्या करेगा वापस कर देगा फिल्टर आउट कर देगा एंड दैट इज वॉट द गेट कीपिंग इज ठीक है ठीक है क्लियर है ठीक तो मास कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ वन वे नहीं होगा क्यों नहीं होगा वन वे इसलिए नहीं होगा मास कम्युनिकेशन का क्योंकि ये टू वे भी है आपने अभी पढ़ा ना कि फीडबैक हो सकता है डिले भी हो सकता है मतलब मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है तो इसको हम सिर्फ वन वे नहीं बोलेंगे ठीक है ठीक है चले अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मास कम्युनिकेशन इनमें से कौन सा मास कम्युनिकेशन का टाइप होगा Yes, Harshini, this is different in communication. Yes. सो टॉकिंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मास कम्युनिकेशन आंसर होगा पब्लिक कम्युनिकेशन पब्लिक कम्युनिकेशन के अंदर भी इंटरपर्सनल क्यों बोल रहे हो यहाँ तो टू पर्सन होते हैं ना मास कम्युनिकेशन में लार्ज ऑडियंस होती है आपकी तो ये आंसर होगा आपका पब्लिक कम्युनिकेशन यहां पर भी होती है लार्ज ऑडियंस इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि टाइप ऑफ मास कम्युनिकेशन है क्योंकि एक साथ हम बहुत सारे लोगों तक रीच कर सकते हैं थ्रू पब्लिक कम्युनिकेशन एज वेल बस फर्क इतना होता है मास कम्युनिकेशन के अंदर मास मीडिया कम्युनिकेशन के अंदर जो आपका मास मीडिया कम्युनिकेशन होता है और एक होता है पब्लिक कम्युनिकेशन ये दोनों क्या है आपके टाइप है किसके मास कम्युनिकेशन के व्हाट इज मास कम्युनिकेशन लार्ज ऑडियंस तक पहुंचना तो ये दोनों ही मास कम्युनिकेशन के टाइप हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन में होता ये है कि एक सेंडर है देन ये रिसीवर है अपने सेंडर मतलब अपने रिसीवर तक बात पहुंचाने के लिए सेंडर ने किसी मीडिया का यूज किया है सो दैट इज मास मीडिया कम्युनिकेशन जबकि पब्लिक कम्युनिकेशन में सेंडर होता है और रिसीवर तक वो अपनी बात पहुंचाता है विदाउट एनी मीडियम फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉलिटिशियन रैली दे रहे होते हैं ठीक तो वो क्या है वो आपका पब्लिक कम्युनिकेशन है ग्रुप कम्युनिकेशन क्यों नहीं होगा क्योंकि ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर लिमिटेड ऑडियंस आती है आपकी वहां पर मेंबरशिप नोन होती है यहां मास कम्युनिकेशन में अनोनोमस होते हैं आपके मेंबर्स लेकिन ग्रुप कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता तो बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट ठीक है यस चले अब आते हैं छोटा सा कॉन्सेप्ट है येलो जर्नलिज्म ये क्या होता है लेट्स अंडरस्टैंड लो जर्नलिज्म हम उन पेपर्स को बोलते हैं उन न्यूज uh, चैनल्स को भी बोल सकते हो जो कर क्या रहे हैं जो आपको गलत न्यूज पहुंचा रहे हैं जस्ट टू इंक्रीज देयर सेल्स वो अपनी सेंसेशनल वो न्यूज को सेंसेशनल न्यूज बना के पहुंचा रहे हैं आप तक दैट मीन्स कुछ झूठ पहुंचा रहे हैं आप तक उसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं ताकि क्या हो उनकी सेल्स बढ़े बस तो वो आपको लेजिटिमेट न्यूज नहीं दे रहे होते ठीक है बहुत कम या बिल्कुल भी आप बोल सकते हो झूठी न्यूज है कोई वेल रिसर्च न्यूज नहीं है बस उसकी सेल्स बढ़ाने के लिए आई कैची हेडलाइंस का यूज किया गया है तो दिस इज नोन एज येलो जर्नलिज्म जिसको जिसको हम बोलते हैं जिसको हम टैबलॉइड के नाम से भी जानते हैं टैबलॉइड जर्नलिज्म के नाम से भी जानते हैं यूके के अंदर हम उसको टैबलॉयड जर्नलिज्म बोलते हैं तो येलो जर्नलिज्म या आपका जो टैबलॉइड जर्नलिज्म है इस सेम चले अब आगे बढ़ते हैं हम मीडिया किट ये भी हमसे कॉन्सेप्ट इस बार एग्जाम में पीछा पूछा गया था मीडिया किट प्रेस किट ठीक तो ये मीडिया किट या प्रेस किट क्या होती है ठीक तो ये मीडिया किट या प्रेस किट होती है वो पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको असेंबल किया गया है कंपनी के थ्रू या एक पर्सन ने अपनी खुद इंफॉर्मेशन को असेंबल करा है मतलब अपने बारे में सब कुछ लिख लिया है एक जगह ताकि रिपोर्टर को या रिक्वायर्ड पर्सन को वो प्रोवाइड कर सके ठीक है एग्जाम्पल्स वी आर नॉट आस्किंग जो टॉपिक है जो एग्जाम में आ सकता है वो पढ़ लो ठीक है आपसे एग्जाम्पल्स नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में सो so बस अगले टॉपिक पे चलते हैं इसको समझ लो मीडिया किट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार पूछा था 2023 में तो देर इज अ चांस कि आपके एग्जाम में भी आ जाए ठीक है तो चलो व्हाट इज मीडिया किट मीडिया किट आपका होता है एक प्रेस किट के नाम से आप भी आप इसको जानते हो इट इज अबाउट द मटीरियल इट इज अ मटीरियल जहां पर इंफॉर्मेशन होती है एक पर्सन के बारे में या एक कंपनी के बारे में जो अपने जो कस्टमर्स हैं या जो प्रेस है उसको देने के लिए मतलब अपने बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो मैं हर किसी को बोलते नहीं चलूंगी मैंने एक मीडिया किट अपनी बनवा लियो मैं हर किसी को जो मेरे बारे में आ रहा है जैसे मान लो कोई मेरे पास आ रहा है प्रमोशन के लिए तो मैंने उसको अपनी मीडिया किट दे दी जिसमें क्या क्या चीजें मैंशन होंगी वो देख लो इसमें जैसे ये लेडी हैं इनका मीडिया किट है तो इसमें क्या इन्होंने लिखा है कि ये कहाँ कहाँ किस किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अभी, अभी अवेलेबल हैं पार्टनरशिप इनकी किन किन के साथ है इसके अलावा ये इनका डेमोग्राफिक मेंशन है इनके बारे में मेंशन में 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 है एंड इनका रेट कार्ड मैंशनड है कि अगर आप ये करवाओगे तो इतना पैसा ये चार्ज करेंगी अगर आपने इनसे कुछ और कराया जैसे आपने पूरी पोस्ट लिखवाई आपने तो इतना पैसा चार्ज होगा अगर आप वीडियो चाहते हो कि कॉन्टेंट बनाए तो इतना पैसा वापसी लेंगी एंड दिस इज हर कॉन्टैक्ट नंबर सो दिस इज अ मीडिया किट एक और एडवर्टिजमेंट टाइप हो सकता है येस एंड ऑल्सो अगर आपको मान लो कि अपनी इन्फॉर्मेशन पेपर में छपवानी है तो मीडिया किट उठा के दे दिया और रिपोर्टर को बोल दिया कि भाई ये के मुझे uh, मेरी एडवर्टीजमेंट कर देना तो वहां पर हो जाएगी अब देखो ये एक कंपनी न्यूज़ बीटीसी के बारे में अगर आपको जानना है कि भाई न्यूज बीटीसी कौन है So, वो कौन है क्या सर्विस देते हैं उनका साइट स्टैटिस्टिक्स कितना है मतलब मंथली कितने यूनिक यूजर्स आते हैं ऑडियंस रीच ट्विटर पे कितने फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे कितने फॉलोवर्स हैं इनके इनको कांटेक्ट कैसे कर सकते हो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंशनड है दिस इज वॉट दिस इज योर मीडिया किट ठीक है हाँ आप इसको पोर्टफोलियो टाइप का भी समझ सकते हो एग्जैक्टली ठीक है आ गया समझ में यस yes या नो ठीक है चलो मूविंग अहेड मीडिया के केट का प्रमोशनल मेजर होता है जिसको हम यूज करते हैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन दूसरों को देने के लिए अब कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके ऊपर एग्जाम में हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उनको समझते हैं जैसे आपका कॉन्सेप्ट एग्जाम में आया था मेटोनिम्स राइट right? तो ये मेटोनिम्स क्या है ये फिगर्स ऑफ स्पीच है जहां एक वर्ड को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं विथ अनदर क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड दैट मीन्स मेटर्निम के अंदर हम क्या करते हैं एक वर्ड की जगह कुछ और वर्ड यूज करते हैं जो कि क्लोजली उसी वर्ड से रिलेटेड है एंड आप समझ जाओगे किसके बारे में बात हो रही है जैसे व्हाइट हाउस बोला जाता है तो वाइस, वाइट व्हाइट हाउस का मतलब क्या है व्हाइट हाउस का मतलब है यूएस गवर्नमेंट की बात हो रही है बॉलीवुड बोला जाता है मतलब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड बोला जाएगा तो आप समझ गए किसकी बात हो रही है तो दिस इज मेटोनिम मेटोनिम में हम एक शब्द को यूज करते हैं जो किसी वर्ड से एसोसिएटेड है हम उसी की बात नहीं कर रहे हैं एग्जैक्टली exactly. हम उससे जुड़े हुए वर्ड की बात कर रहे हैं लेकिन उसकी मीनिंग जो जिसको भी आप दे रहे हो जिससे कम्युनिकेट करो वो समझ जाएगा बिकॉज इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ राइट द अनदर कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल जहां पर आपको बोला जाए पेन इज माइटर दैन स्वर्ड ठीक पेन के अंदर ज्यादा ताकत होती है तलवार से क्या एक्चुअली ये एग्जैक्ट uh, इसकी मीनिंग सही है ये पेन ले लो और एक तलवार लाओ और आप इसको काटो ठीक है तो क्या मैं जब इसको ऐसे काटूंगी तो पेन काट देगा तलवार को नहीं लेकिन तलवार इसको काट देगी क्या बिल्कुल सो पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड हमने क्यों बोला क्योंकि हमने पेन को बोला कि जो लिखा होता है अगर आप लिखोगे दैट मीन्स आपने कोई चीज बोली या लिखा वो वॉर से भी ज्यादा ताकतवर होता है वो लोगों के दिमाग तक सीधा पहुंच सकता है अगर आपने बहुत ही इंफ्लुएंशियल वे में लिखा तो लोगों तक आप डायरेक्टली पहुंच सकते हो एंड वो वॉर से ज्यादा ताकत रखेगा तो दिस इज मेटोनिम क्लियर है हाँ एग्जैक्टली exactly. सो मेटोनिम इज बेसिकली वॉट कि एक शब्द जो हम दूसरे के जगह पे यूज करते हैं एंड वो जो शब्द हम यूज कर रहे हैं उसकी एग्जैक्ट मीनिंग की बात नहीं कर रहे बट उससे एसोसिएटेड जो चीज है हम उसकी बात करें जैसे पेन पेन की जगह हमने क्या बोला कि राइटिंग की बात हो रही है पेन की एग्जैक्टली exactly बात नहीं हो रही बट लिखावट की बात हो रही है तो यही आपका मेटोनिम होता है ठीक है क्लियर हो गया यस सो so, आया समझ में मेटोनिम क्या होता है अब हम आगे देखते हैं एंट्रोपी ये भी कॉन्सेप्ट है जो हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है एंट्रोपी का होना अब देखो एंट्रोपी जब कम्युनिकेशन में होगी ना तो बैरियर होगा तो आएगा. कैसे आएगा बैरियर तो एंट्रोपी का मतलब होता है लैक ऑफ ऑर्डर जैसे आप यहां देखो आपको बहुत अच्छे से व्यवस्थित दिख रहा है ना सब बट अगर एंट्रोपी होगी तो क्या होगा व्यवस्थित नहीं होगा दैट मीन्स हैजार्ड वे में इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो कभी कुछ बोल दिया कभी कुछ बोल दिया तो अगर आपकी कम्युनिकेशन में आपके मैसेज में एंट्रोपी है ना तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी अगर एंट्रोपी है तो समझ बहुत अच्छे से आप क्रिएट नहीं कर पाओगे क्योंकि क्योंकि मैसेज जब आपका हैप हाँ हो गया तो उससे अंडरस्टैंडिंग नहीं आप प्रॉपरली क्रिएट कर सकते तो इफ यू वांट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो आपको एंट्रोपी रिड्यूस करना होगा ठीक है चले अनस्ट्रक्चर्ड हाँ, है बिल्कुल नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर नेग एंट्रोपी ये दो शब्दों से बना है नेगेटिव एंट्रोपी ठीक है अभी ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है तो अभी आप कॉन्सेंट्रेट कर लो ना क्लास के अंदर आप लोगों को अनरिलेटेड बातों पे इतना इंटरेस्ट क्यों होता है डैन समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट जो कि पर्टिकुलरली पॉसिबल है कि एग्जाम में आ जाए बट आप लोगों को सारे अनरिलेटेड चीजों पे इंटरेस्ट होता है एंड आई रियली डोंट वांट एनी वन इन माई क्लास टू डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ द क्लास बहुत अच्छी क्लास चल रही है बहुत स्मूथली क्लास चल रही है तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब माई क्लास नहीं अटेंड करना क्लास को मैंने जबरदस्ती नहीं आपको यहाँ बैठाया हुआ है ये कंप्लीटली फ्री क्लास है आपकी मर्जी अटेंड करो नहीं तो क्लास छोड़ के चले जाओ बट क्लास में हो तो कॉन्सेंट्रेट कर लो बिकॉज यहाँ पर यू हैव टू मेंटेन द डेकोरम ताकि क्लास की फ्लो बनी रहे इस तरह से पढ़ाने में मुझे कभी भी मज़ा नहीं आता एंड आई रियली वांट कि अगर क्लास चल रही है तो उसका फ्लो ना टूटे मैं अवॉइड करती हूँ लेकिन फिर मुझे लगता है कहीं पर कि भाई आप लोगों को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो मैं जाने देती हूँ आप लोग अपना ही कर लो ठीक है सो ये जो मैं थ्योरी क्लास लेती हूँ मैं हर बार बोलती हूँ थ्योरी क्लास में बहुत मेहनत लगती है क्योंकि अगर आप सोचो ये जो कम्युनिकेशन की पूरी यूनिट में आपके लिए एक क्लास में लेके आई हूं उसमें कितनी मेहनत लगेगी कि पूरा कम्युनिकेशन का सिलेबस मैं आपको यहाँ पे करा रही हूं बट आप लोगों को तो फिर पढ़ना ही नहीं है ठीक है मैं इसको जल्दी से वाइंड अप करती हूँ क्लास को एक दो कॉन्सेप्ट पढ़ा देती हूँ बाकी फिर आप लोग कर लेना चले नेगेटिव एंट्रोपी की बात कर लेते हैं नेगेटिव एंट्रोपी होती है दो शब्दों से बनी हुई नेगेटिव एंट्रोपी एंट्रोपी मतलब है लैक ऑफ ऑर्डर उसके आगे आप नेगेटिव लगा दो मतलब लैक ऑफ ऑर्डर की कमी तो दैट मीनस ऑर्डर हो गया जो तो जो हम एंट्रोपी को खत्म करते हैं ठीक है और हम इंफॉर्मेशन का ऑर्डरलीनेस बढ़ाते हैं तो इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव एंट्रोपी तो नेगेटिव एंट्रोपी क्या ठीक है नेगेटिव एंट्रोपी क्या नेगेटिव एंट्रोपी इज वो कम्युनिकेशन जहां पर हम ऑर्डरलीनेस को बढ़ाते हैं कम्युनिकेशन के अंदर हम ऑर्डर इनक्रीज करते हैं ठीक है हाँ आई डोंट वरी आई विल नॉट लेट सीरियस स्टूडेंट सफ़र ठीक है तो डोंट वरी गुस्सा अपनी जगह पे है बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है जब आप बहुत मेहनत करो एंड फिर कुछ स्टूडेंट्स आके क्लास डिस्टर्ब करें तो इट फील्स बैड लेकिन फिर आई नो कि भाई बाकी जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनको सफ़र नहीं कराना है तो आई विल कंटिन्यू डोंट वरी चलो क्लियर हुआ ये एग्जैक्टली yes. yes, exactly. चलो अब अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं केथारसिस ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में केथारसिस क्या होता है तो केथारसिस एक तरह का ना रिलीज होता है जो हम खुद अपने अंदर जो इमोशंस ब्लॉक हो गए हैं उसको रिलीज करते हैं आपको मालूम है कि बहुत से लोग क्या करते हैं पेंटिंग पेंटिंग करते हैं क्योंकि उनको लगता है मैं मेरी टेंशन इससे रिलीज होती है uh, एक बार दिया मिर्ज़ा का इंटरव्यू था बहुत पहले की बात है ये आई थिंक दस साल हो गए होंगे तो आई वाज रीडिंग अ मैगजीन जिसमें उनका इंटरव्यू था एंड शी सेड कि मैं मुझे चॉपिंग बहुत पसंद है मतलब सब्जियां उनको काटना बहुत पसंद है uh, इससे शी रिलीजेज हर एनर्ज uh, इमोशंस तो इमोशंस रिलीज करती है अगर तो उनको अच्छा नहीं फील हो रहा है तो वो चॉप करते हैं अगर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा वे ऑफ केन बी आई दर टॉकिली और फ्रेंड और मे बी प्लेंग विद माई बेबी तो इट एक्चुअली गिवस यू लॉट पॉजिटिव एनर्जी सो ये कैथारिसिज होता है जहाँ पर आप अपने इमोशंस को रिलीज करते हो सो एक क्वेश्चन आया था कि केथारिसिस आपका जो है वे है जिससे आप अपने इमोशंस को रिलीज करते हो क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है तो ये सही है ठीक है ठीक है सो टॉकिंग अबाउट केथारिसिस इट इज रिलीजिंग स्ट्रॉन्ग या रिप्रेस्ड इमोशन जो आपके अंदर इमोशन दबे हुए हैं उनको रिलीज करना क्लियर ठीक है यस अब आती है अगेन अनादर टर्म व्हिच इज सबलिमिनल मैसेज सबलिमिनल मैसेज मतलब क्या कि एक मैसेज जो हमको मिल रहा है बट वी आर नॉट वेरी अवेयर ऑफ दैट कई बार होता है कि आप YouTube पे स्क्रॉल कर रहे हो और अक्सर क्या हुआ YouTube पे स्क्रॉल करते-करते एकदम से आपको बहुत ज्यादा पिज़्ज़ा खाने का मन हो गया क्योंकि कई बार उस यू, उस एक मैसेज उस एक वीडियो में वो अगला पर्सन जो बात कर रहा था वो पिज़्ज़ा खा रहा था या आप इस पीछे इस पिक्चर को देखो तो यहां पर यहां पर एक नाचोस की पिक्चर बनी है और ये जो टी बना है ये इस तरह से बना है कि दो पर्सन नाचोस खा रहे हैं ठीक है सो so, ये क्या है ये है सबलिमिनल मैसेज मतलब हमने एक मैसेज के अंदर आपको एक और मैसेज दिया जिसका आप जिसके आप अवेयर नहीं थे आपको लगा ये डिजाइन बनी है बट एक्चुअली हम नाचोस को प्रमोट कर रहे हैं सो दिस इज योर सब्लिमिनल मैसेज क्लियर क्लियर एवरीवन यस yes. चले आगे चलते हैं एंड बुद्धिस्ट या ईस्टर्न व्यू या हिंदू व्यू अगर आपसे कम्युनिकेशन के अंदर पूछे तो कुछ ये चीजों को आपको ध्यान रखना है कुछ ये पॉइंट्स आपके उस कम्युनिकेशन के अंदर आएंगे अगर ईस्टर्न व्यू पूछे हिंदू व्यू पूछे बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन बोले तो सबके अंदर आपके यही कम्युनिकेशन के पॉइंट्स आएंगे वो कौन कौन से हैं सो so, सबसे पहले है बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन ने इम को माना उन्होंने बोला कोई भी चीज ऐसे परमानेंट नहीं है हर एक चीज आस्थाई है कम्युनिकेशन भी के अंदर भी हर कुछ क्या होगा इम्पर्मानेंट होगा मतलब जो आज है फीलिंग्स इमोशंस वो हमेशा नहीं रहने वाले तो इसीलिए ये सोल को भी नहीं मानते ठीक है वो सोल को भी नहीं uh, मानते बिकॉज ये क्या बोलते हैं एवरीथिंग इज इन इम्पर्मानेंट कोई भी चीज की फिक्स्ड एंटिटी नहीं है नेक्स्ट है नॉन सेल्फ नॉन सेल्फ यहां पर ये यह क्या बोलते हैं कि कम्युनिकेशन हम जब करेंगे तो हम सेल्फिश भाव से नहीं करेंगे कम्युनिकेशन एक्चुअली हम कम्युनिकेट्स कम्युनिकेशन से रिलेट कर रहे हैं इसलिए हम इसको कम्युनिकेशन के अंदर बोलेंगे वैसे तो ये बोलते हैं कि नॉन सेल्फ होंगे हम बिल्कुल सेल्फलेस होके हम लोगों की सर्विस करेंगे कम्युनिकेशन के अंदर बोलेंगे कि हमारी कम्युनिकेशन के अंदर सेल्फिशनेस नहीं होगी हम हमेशा कम्युनिकेशन में दूसरों को कंसिडर करेंगे ठीक है वेस्टर्न के अंदर ये पूरा उलट जाएगा अभी आप वेस्टर्न भी पढ़ोगे तो ये पूरा इसका उल्टा आपको देखने को मिलेगा फिर नेक्स्ट है कम्युनिकेशन के अंदर होगी इनवर्ट सर्च दैट मीन्स हम जब कम्युनिकेशन करेंगे ना तो हम पहले अंदर खुद अपने अंदर जो है विचार करेंगे सही है गलत है तभी हम कम्युनिकेट करेंगे तभी हम कम्युनिकेशन में कोई चीज बोलेंगे दैट मीन्स आप क्या करोगे रिफ्लेक्ट करोगे सही गलत क्या है फिर ही आप कम्युनिकेशन करोगे नेक्स्ट है इंट्यूटिव स्टाइल तो जो इनवर्ड स्टाइल है वहीं से आपका इंट्यूटिव स्टाइल कि आप ठीक है आप क्या करोगे आप करोगे फील एंड देन ओनली आप कम्युनिकेट करोगे आप ऐसे ही कम्युनिकेशन नहीं करोगे बट आप फील करने के बाद ही कम्युनिकेशन करोगे क्लियर है यहां तक क्लियर है आगे बढ़ते हैं कम्युनिकेशन के अंदर और क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं या इंडियन कम्युनिकेशन आपका हो तो और क्या क्या पॉइंट आएंगे हार्मनी म्यूचुअल डिपेंडेंस एंड रिचुअलिस्टिक व्यू तो ये कम्युनिकेशन के अंदर बोलते हैं रिचुअलिस्टिक व्यू होगा ठीक है रिचुअलिस्टिक व्यू मतलब कि हम जब कम्युनिकेशन करेंगे तो हम एक रिचुअल करेंगे दैट मीन्स वहां पर हम एक रिचुअल कर रहे होते हैं इट्स नॉट जस्ट इंस्ट्रूमेंटल या सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि मैसेज हमने अगले को दे दिया मैसेज रीच हो गया हमारे डिजायर्ड इफेक्ट के साथ तो वो कम्युनिकेशन है नहीं ये बोलते हैं कम्युनिकेशन का रिचुअलिस्टिक व्यू होगा वो क्या होता है थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं डिटेल में आगे देखते हैं सेल्फलेसनेस होगी जो कि मैंने डिस्कस कर लिया आगे कंपैशन होगा मतलब हम फील करेंगे हर किसी को फील करेंगे किसी को कैसा लग सकता है मेरी बात से और तभी हम कम्युनिकेट करेंगे एम्पथी होगी दूसरे को समझेंगे कम्युनिकेशन में हम एथिक्स को फॉलो करेंगे मतलब प्रॉपर मैनर्स को फॉलो किया जाएगा कम्युनिकेशन के टाइम पे रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी तो यहां बोलते हैं हम रिस्पेक्ट देंगे लोगों को अथॉरिटी की रिस्पेक्ट होगी जब आप जबकि आपकी वेस्टर्न कम्युनिकेशन में आप देखोगे इग्लिटेरियनिज्म है मतलब सबको हम बराबर मानेंगे बट बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन या इंडियन व्यू ऑफ कम्युनिकेशन क्या बोलता है कि हम रिस्पेक्ट देंगे ठीक है सबको नॉन वर्बल क्यूज इंपॉर्टेंट है मतलब आपका जो बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन है या इंडियन कम्युनिकेशन है वो हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर पे डिपेंड करेगा तो हाई कॉन्टेक्स्ट है तो कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट होगी सटल वे में आप कम्युनिकेशन करोगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगी मीनिंग इम्प्लिसिट होगी आपकी आप रिसीवर के ऊपर ध्यान दोगे क्योंकि यहाँ ये कम्युनिकेशन सेल्फलेस भाव से हो रही है तो मेन कौन होगा हमारा रिसीवर होगा यहाँ पर ये कलेक्टिविज्म होगा हम सबको लेके चलेंगे तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन इज इंडिविजुअलिस्टिक आंसर है कि स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बुद्धिस्ट हो इंडियन हो हिंदू आपका कम्युनिकेशन हो इसमें हम बोलेंगे कि कम्युनिकेशन इज कलेक्टिव हम सबको लेके चलेंगे साथ में इंडिविजुअल हम अप्रोच नहीं रखेंगे कम्युनिकेशन का ठीक है सो आप दो तरह का आप व्यू पढ़ोगे जैसे अभी हमने बुद्धिस्ट में पढ़ा कि आपका रिचुअल व्यू है बट आपका जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे कम्युनिकेशन का जो एरिस्टोटेलियन कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हो दैट इज वॉट दैट इज ट्रांसमिशन व्यू ऑफ कम्युनिकेशन सो यहाँ क्या बोला गया है कि रिचुअल व्यू में हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन है कि हम एक दूसरे के साथ रहने के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं वी आर डूइंग कम्युनिकेशन टू बी टुगेदर्स टूगेदर बट आपका जो कम्युनिकेशन है ट्रांसफॉर्मेशन वो ये है कि हम कम्युनिकेशन सिर्फ आगे मैसेज अपनी जो भी मेरी बात है उसको आगे पहुंचाने के लिए कर रहे हैं तो रिचुअलिस्टिक व्यू सबके साथ चलेंगे ठीक जहां पर आप क्या कर रहे होगे कम्युनिकेशन कर रहे होगे दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए और उसकी बात समझने के लिए जबकि एरिस्टोटेलियन कम्युनिकेशन या वेस्टर्न में वन वे कम्युनिकेशन होता है जहां पर सेंडर को सिर्फ से इस चीज से मतलब होता है कि उसकी बात आगे पहुंच जाए ठीक है ठीक है चले अब हम देखते हैं हमारा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जिसको एरिस्टोटेलियन कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे तो उसमें आता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी एक्सप्लिसिट होगी ठीक है बिल्कुल हम क्या करेंगे डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे अपनी सारी बात बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे यहां पर इग्लिटेरिज्म का concept रखा जाता है, that means, माना जाता है है दैट माना कि हर कोई बराबर है ठीक यहां पर होता है इंडिविजुअलिज्म दैट इंडिविजुअलिज्मीन्स सेंडर का जो मेन फोकस होगा वो अपने ऊपर होगा सेंडर फोकस नहीं करेगा रिसीवर पे बट वो किस पे फोकस करेगा सिर्फ अपने पे राइट फोकस ऑन पर्सनल गोल क्योंकि ये इंडिविजुअलिस्टिक कम्युनिकेशन है इसलिए यहां पर फोकस होगा अपने गोल के ऊपर सिर्फ यहां सेंडर पे मेन एम्फोसिस होगा तो जैसा मैंने बोला ना बुद्धिस्ट का जस्ट उल्टा होगा तो आप उस तरह से भी इसको याद कर सकते हो इंडिविजुअल एक्सप्रेशन मतलब मैं जो बोलना है वो मैं अपने हिसाब से सोच के बोलूंगी मैं एम्पथी नहीं रखूंगी कि आपको समझ के फिर मैं कम्युनिकेट करूँ ठीक है ऑटोनॉमी होगी आप खुद डिसाइड करोगे क्या बोलना है ट्रांसमिशन व्यू कम्युनिकेशन के अंदर बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन होगा दैट मीन्स कम्युनिकेशन का काम है मैसेज आगे पहुंचाना बस ठीक इसका सक्सेस या इफेक्टिवनेस डिपेंड करता है क्या कि मेरा जो मैसेज है वो उसका गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ डेट्स इट सो ये आपके क्या है वेस्टर्न कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्रेसड मतलब बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट रूप में आप कम्युनिकेशन करोगे मैं एक क्वेश्चन इसके ऊपर कराती हूँ आपको Yes. ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन थ्योरी इज सिंपल एंड वन साइडेड स्टेटमेंट टू बोल रहा है बुद्धिस्ट अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन एज अ सोशल एंड मॉरल एक्ट कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है अभी आपने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए बुद्धिस्ट एंड वेस्टर्न कम्युनिकेशन से जुड़े हुए ग्रेट यस सो अभी हमने पढ़ा कि बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन वन साइडेड नहीं होता है बट हम यहां पर क्या करते हैं हम कलेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं जबकि अगर यहां वेस्टर्न लिखा होता वेस्टर्न लिखा होता तो वन साइडेड होता क्योंकि वो इंडिविजुअलिस्टिक है बट सेकेंड पॉइंट आपका क्या है बिल्कुल सही है सो so, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सो आई थिंक पोल ने आंसर उठाया नहीं जो भी रीजन हो तो कोई बात नहीं समझ में आ गया ना सबको Yes, यस वन साइडेड नहीं होगा राइट मी नो कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी यस yes. अब इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है मैं वो भी कराती हूं हॉट मीडिया हम कल कल कर चुके हैं हॉट मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन कल नहीं उसके पहले हॉट मीडिया में क्या होता है आपका हाई डेफिनेशन होती है ठीक सो so, अभी जो मैं करना है वो है एंशियंट पैराडाइम से जुड़ा हुआ सो so, वो क्या होगा एलिमेंट रिलेटेड टू एंशियंट पैराडाइम अभी आपने वो कॉन्सेप्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हो उसको यहां पर है फिजियोलॉजिकल इकोनॉमिक एथिकल सेल्फ रियलाइजेशन और ईगो क्लासेस सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हिंदी भी दिखाती हूं मैं येस yes, हिंदी देख लेते हैं इसका एंड प्लीज डू आंसर जो प्रा, प्राचीन प्रतिमान है वो उसमें संचार किस चीज से संबंधित है सो so, अभी हमने जो एंशंट एजुकेशन पर आप एंशियंट uh, कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो इसको आप रिलेट कैसे करोगे इंडियन कम्युनिकेशन से बुद्धिस्ट के अंदर भी इसको आप डाल सकते हो एंड अभी हमने पढ़ा कि बुद्धिज्म में सेल्फलेसनेस है इंडियन जो आपकी कम्युनिकेशन है उसमें हम सेल्फलेसनेस की बात कर रहे हैं तो ईगो तो आएगा ही नहीं अहंकार वहीं आता है ना जहां पर हम बहुत ज्यादा खुद को लेके चलते हैं बट ये बोल रहा है सेल्फलेस कम्युनिकेशन एंड देर फोर आंसर ईगो छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन होंगे सो so, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पोल आंसर काउंट नहीं कर रहे हैं अब जो भी रीजन हो सो so इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए सो कूल मीडियम के क्वेश्चन चलो एक कूल मीडियम का मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ यहीं पर करा देती हूँ कूल मीडियम और हॉट मीडियम के अंदर बस इतना ही डिफरेंस होता है कूल एंड हॉट जो मीडियम होता है उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो कूल cool मीडियम होता है इसकी लो डेफिनेशन होती है ये लो वे में डिफाइन होता है इसकी लो डेफिनेशन होती है दैट मींस कि यहां पर आपको बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अगर आप पूरा मैसेज चाहते हो तो हाई पार्टिसिपेशन की जरूरत होती है जबकि हॉट मीडियम में इसका उल्टा होगा यहाँ हाई डेफिनेशन होती है देयरफॉर इसमें हमें लो पार्टिसिपेशन की जरूरत होती है यहां पर पूरा जो मैसेज है ना उसकी स्पून फीडिंग हो रही होती है जैसे रेडियो हो गया वहां पूरा का पूरा मैसेज आपको स्पून फीड कर दिया जाएगा ठीक सो so, बी भी था क्या हाँ बी भी था क्यों भी था देखो वापस से क्या नहीं समझ में आया शारीरिक आर्थिक एथिकल सेल्फ रियलाइजेशन सारा होगा सिर्फ ई को छोड़ के हमारा सारा आय होगा क्यों होगा इसका एक बार अंडरस्टैंडिंग ले लो कि हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं दैट इज फिजियोलॉजिकल कम्युनिकेशन हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जरूरी है ठीक है वो इकोनॉमिक हो गया एथिकल होता है कम्युनिकेशन मतलब हम एथिक्स का यूज करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन होता है मतलब हम सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए एक आप बोलते हो ना कि निर्वाणा इज द अल्टीमेट एम उसके लिए भी हम कम्युनिकेशन का यूज करते हैं तो सारे पॉइंट्स होंगे ठीक है अब देखो कूल मीडियम एंड हॉट मीडियम के अंदर डिफरेंस अब यहां पर आप देखो ये क्वेश्चन Uh, के अंदर क्या होगा कि कूल cool मीडियम के अंदर होता है हाई पार्टिसिपेशन बी होगा और ए नहीं होगा अब आगे देखते हैं कि इट प्रोवाइड स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बात सही है टेम्स टू बी सप्लांटेड सप्लांटेड मतलब रिप्लेस होता है तो दिस इज बाय हॉट मीडियम सो इट विल बी बी डी सॉरी बी सी एंड ई ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा ठीक है सो कूल मीडियम के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो देख सकते हो हाई ऑडियंस इन्वॉल्वमेंट होता है हाई पार्टिसिपेशन जिसको बोलते हो रिप्लेस बाय हॉट मीडियम होता है और ये लिटिल इन्फॉर्मेशन आपको देता है आपको पूरी इंफॉर्मेशन पूरी जानकारी नहीं मिलती है कूल uh, मीडियम cool से ठीक है सो आज के लिए इतना ही था हाँ अब हम मिलेंगे कल और कल फिर हम करेंगे पेपर वन का मैराथन जिसमें हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर वन से सो बी रेडी फॉर दैट मैराथन बारह बजे ही होगी सेम टाइम पे एंड देन संडे फिर से हम मिलेंगे और संडे हम फिर करेंगे पेपर uh, वन के अंदर जो भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनका रिविजन सो बी प्रिपेयर एवरी वन एग्जामिनेशन तक बहुत कुछ आने वाला है आपके लिए सो so बस आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना है मैं वहां पर आपको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ लिंक से सेशन ज्वाइन कर लिया करो एंड एग्जामिनेशन से पहले आई विल बी मेकिंग श्योर कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कवर हो जाए कुछ भी मिस ना हो ठीक है चले